हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आ जाइएगा, सभी को गुड मॉर्निंग है। मैडम अपने दोस्तों तक, चाहतों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। आपका वंदे भारत एपिसोड का 150 एपिसोड है, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली क्लास है। तो बिल्कुल आपके एनक्लैक्स बेसिस, मॉस पे, सोंडर से, निपिन कोर्ट बेसिस यहाँ पर सभी क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा कि वो दिन, वो मंजर, वो नजारा भी आएगा। वो दिन, वो मंजर, वो नजारा भी आएगा। समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से यूं थक्कर के ना बैठ जाना ऐ मेरे दोस्त, एक दिन तुमसे मिलने वो सितारा भी आएगा। अपनी मेहनत को, अपने कदमों की काबिलियत पर जो विश्वास रखते हैं, अपनी मेहनत पर जो विश्वास रखते हैं, एक दिन वो इतिहास रच करके दिखा देते हैं। जो जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। तो सभी को गुड मॉर्निंग है। बिल्कुल यहाँ पर आंसर आ रहा है अक्षय को, अंकित को, सरज को, गिरेश को, महेंद्र को, पूजा को, ऐश्वर्या को, सभी को गुड मॉर्निंग है। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का, सभी अपना आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। 150 एपिसोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ए चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट आफ्टर द सर्जरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स असेस सबसे पहले सर्जरी के बाद में आप क्या असेस करोगे? आईवी फ्लूड एक्सेस साइट को देखोगे, चाइल्ड के लेवल ऑफ पेन को देखोगे, या सर्जिकल साइड ड्रेसिंग को देखने वाले हैं, या फंक्शनिंग ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की फंक्शनिंग के बारे में देखते हैं। तो पर्सन में जब पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करने से पहले यहाँ पर आपको सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का पता होना चाहिए। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जो कि यहाँ पर एम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। अभी नॉर्मसेट 4 में भी क्वेश्चन आया था कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले साइन इन के बारे में। तो फर्स्ट होता है साइन इन, देखने को मिलेगा। साइन इन का मतलब होता है बिफोर द एनेस्थेसिया, बिफोर गिविंग द एनेस्थेसिया, देने से एनेस्थेसिया देने से पहले का जो समय होता है उसे नाम दिया जाता है साइन इन के नाम से, जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम इन नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछा था कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद रखना है टाइम आउट होता है, टाइम इन नहीं होगा। बात करते हैं टाइम आउट होता है बिफोर द इंसिजन, इंसिजन लगाने से पहले का जो टाइम होता है उसे टाइम आउट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन आउट के बारे में। साइन आउट का मतलब होता है बिफोर लेविंग द ऑपरेशन थिएटर, जब भी आप क्या करते हैं ऑपरेशन थिएटर को छोड़ते हैं, उससे पहले का जो टाइम होता है उसे नाम दिया जाता है साइन आउट के नाम से जाना जाएगा। तो एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, सभी को ध्यान रखना है। साइन इन होता है टाइम आउट होता है, टाइम इन नहीं होता है, और लास्ट होता है साइन आउट। साइन इन का मतलब है बिफोर गिविंग द एनेस्थेसिया, देने से पहले जो टाइम होता है उसे नाम दिया जाता है साइन इन के नाम से जानते हैं। टाइम आउट का मतलब होता है बिफोर द इंसिजन, जब भी आप ओटी में पहुंच गए हो ओटी में इंसिजन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, एनेस्थेसिया आपने दे दिया है टाइम आउट में, लेकिन अभी तक आपने इंसिजन नहीं लगाया है। तो आपको देखना है कि एंटीबायोटिक दिया है या नहीं दिया है एक घंटे पहले, ये सभी इसमें जांच करना है। साइन आउट की बात करें तो साइन आउट का मतलब होता है बिफोर लिविंग था ओटी ने जो भी इंस्ट्रूमेंट काम लिए थे सर्जरी के दौरान है वो बिल्कुल क्या करने हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से आपको गिनना होता है कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट गलती से अंदर तो नहीं छूट गया, कहीं गोज है गोज को भी काउंट करके रखना है। अगर गोज आपका अंदर में छूट जाता है तो उसके लिए कौन से गोज का यूज किया जाता है, रेडियो ओपेक लाइन वाले गोज का यूज करते हैं। तो ये रेडियो ओपेक लाइन गोज पीस है, इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी के दौरान। जब भी आप अगर बाय द वे गलती से, डॉक्टर की गलती से, आपकी गलती से, स्टाफ की गलती से, मरीज की गलती से, जिसकी भी गलती से क्या रह गया अंदर रह गया है, तो उस दौरान आपको जब भी आप एक्सरे करवाओगे तो जल्दी जल्दी में सोना मोना बाबू के मिलने जाने की चक्कर में क्या कर दिया आपने, मरीज को जल्दी से सिल दिया है, उसके बीच में ध्यान नहीं दिया, गिने नहीं, आपने काउंट नहीं किए, तो ये अंदर छूट गया एक में, इसका पता कैसे चलेगा। तो जब भी आप एक्सरे करवाओगे एक्सरे में रेडियो ओपेक लाइन आपको नजर आएगी, तो ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपके दिखाई देती है
बिल्कुल रेडियो पे एक लाइन से आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि जब भी किसी सर्जरी परफॉर्म करते हैं सर्जरी के दौरान आपको किसका ध्यान रखना है, यहाँ पर है ड्रेसिंग को चेक करना है यहाँ पर, क्योंकि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो जब भी आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं सर्जरी से पहले किसी भी तरीके की आपके थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है, एंटी प्लेटिलेट थेरेपी है, इन सभी को बंद कर दिया जाता है, विथहोल्ड कर दिया जाता है। करें किस किस को बंद करना है, तो आपको एस्प्रिन को भी बंद कर देना होता है। कुछ बात करें वारफेरिन को, तो एस्प्रिन को बिफोर द 7 डेज, 7 डेज से पहले इसको बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वारफेरिन के बारे में, तो वारफेरिन को भी बंद करना होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हेपेरिन चल रहा है पर्सन को, तो हेपेरिन को भी विथहोल्ड कर दिया जाता है। लास्ट में आप हेपेरिन को कभी बंद करते हैं तो 48 से 72 घंटे पहले इसको बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको हेपेरिन को बंद करना होता है, हेपेरिन आपको सेम डे बंद करनी होती है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो पर्सन अगर यहाँ पर एस्प्रिन पर ले रहा है, वारफेरिन चल रही है, तो वारफेरिन 2 से 3 दिन पहले बंद कर दो, उसको किस पे ले लो, हेपेरिन पे ले लिया जाता है। तो वारफेरिन की टेबलेट आती है, हेपेरिन का इंजेक्शन देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, सबकुटेनियस रूट से लगाया जाता है। कहाँ पर लगाओगे, कौन से एरिया में लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको कहाँ पर लगाना है, कौन से टिश्यू का यहाँ पर सबकुटेनियस टिश्यू में लगाना होता है, तो एससी का सबकुटेनियस टिश्यू में लगाते हैं। मेनली कहाँ पर यूज करते हैं, तो लोअर एब्डोमन साइड पर इसको लगाया जाता है, जहां पर आपका एम्ब्लाइकस है वहां से ये क्या है लोअर एब्डोमिनल है साइड देखने को मिलेगी, तो वहां पर इसको लगाया जाता है। हेपरिन लगाने के लिए आपको 2 इंच एम्ब्लाइकस से फार फ्रॉम द 2 इंच लगाना होता है। ये सभी यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप वारफेरिन देते हैं, वारफेरिन के दौरान PTINR देखा जाता है, जबकि बात करें यहाँ पर हेपेरिन चला रखा है, तो हेपेरिन के दौरान आपको क्या मॉनिटर करना है, APTT को मॉनिटर करना होता है। ये सभी आपका वारफेरिन हेपेरिन के दौरान नॉर्मल जो वैल्यू आती है उससे 1.5 से लेकर के इंक्रीज देखने को मिलेगी, 1.5 तो 2.5 टाइम ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये सभी वैल्यू को ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन यहाँ से अपने आप में बिल्कुल राजा है, और राजा होता है, कभी भी आपको एग्जाम में सिलेक्शन करवा सकता है। एक एक सरकारी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको नर्सिंग ऑफिसर बना करके 80,000 रुपए की सैलरी दिला सकता है। तो एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ब्लीडिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिलती है आईवी एक्सेस साइट को भी, क्योंकि पर्सन क्या था एनपीओ है, तो एनपीओ है तो पर्सन को क्या दिया जाएगा, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। तो पर्सन में आईवी लाइन भी आपको लगा करके रखना है। चाइल्ड को लेवल ऑफ पेन के लिए भी असेस किया जाता है कि कितने डिग्री का पेन हो रहा है, तो पर्सन में एनाल्जेसिक्स भी दी जाएगी। फंक्शनिंग ऑफ द नेचोगस्ट्रिक ट्यूब, नेचोगस्ट्रिक ट्यूब की फंक्शनिंग है, तो पर्सन में एनजी ट्यूब डाल करके इसको ओपन कर दिया जाता है। जब पर्सन में सर्जरी करते हैं तो इसको रिपन कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का गैस्ट्रियस डिस्टेंशन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, LMWH को नाम दिया जाता है लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के नाम से जानते हैं। ये भी एक टाइप का आपका हेपेरिन का इंजेक्शन देखने को मिलता है। 0.4 ml इज इक्वल टू 40 mg आता है, 0.6 mg में कितना, 0.6 ml में 60 mg का इंजेक्शन। तो ये आपका LMWH की फॉर्म होती है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, जिसे नाम दिया जाता है एनोक्सापेरिन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, तो एक एक क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉर्मल पीटी कितना होता है, 12 से लेकर के 14 सेकंड देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल पीटी की बात करते हैं, कितना होता है, 12 से 14 सेकंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर INR के बारे में, तो INR की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8 से लेकर के 1.2 रहती है। बात करें INR कैसे निकालना है, तो पेटे वैल्यू अपॉन पेटे स्टैंडर्ड देखा जाता है। तो पीटी की वैल्यू होती है नॉर्मल ये कितनी है, और पीटी स्टैंडर्ड में कितना आता है, तो वैल्यू होती है 10 to 14 देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड की बात करें तो 14 ये स्टैंडर्ड होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.88 से 1.2 ये आपका INR लेवल देखने को मिलता है। ये भी वारफेरिन के दौरान 1.5 से 2.5
फट जाता है। इसका मतलब है ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग है, देखने को मिल रही है 30 से 40 ही आपकी नॉर्मल है, एपीटीटी पाया जाता है, इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो आप 1.5 से 2.5 गुना बढ़ेगा तो वो यहाँ तक 60 से 70 तक इसको नॉर्मल है माना जाता है। ड्यूरिंग द हेपरिन थेरेपी के दौरान अगर पर्सन में हेपरिन थेरेपी चलाई जा रही है 60 से 70 आ रहा है तो ये देखने को मिलेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू प्रोटेक्ट ए क्लाइंट हु हैज रिसीव द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है टीपीए और एक्टिवेज रिकॉम्बिनेट एक्टिवेटेड थेरेपी द नर्स शुड यूज द रेडियल आर्टरी टू ऑब्टेन द ब्लड गैस सैंपल है मेंटेन द आर्टेरियल प्रेशर फॉर 10 सेकेंड है IM इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करोगे एंक्रेज द फिजिकल एक्टिविटी को एंक्रेज करने वाले हैं। तो जब भी पर्सन में किसी भी तरीके का टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या आपकी बात करें तो टीपीए क्या है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स होती है ये जाकर के थ्रोम्बस को डिजोल्व करने का काम करती है। तो अगर पर्सन में यहाँ पर किसी भी तरीके का थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है तो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होती है, कब पर्सन में नहीं दी जाती है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा थ्रोम्बोलाइटिक के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं। अगर पर्सन में पहले से एक्टिव ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, पहले से पर्सन में खून की नदियां बह रही है तो यहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता है। या फिर पर्सन में सीवियर है हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है जिसे नाम दिया जाता है हाइपरटेंशन है, इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पर्सन में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है बात करें कब देखने को मिलेगा, मोर देन 200 तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 200 से ज्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाता है तो इसे नाम दिया जाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो उस पर्सन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से भी यहाँ पर आर्टरी रप्चर होने के चांसेस होते हैं और पर्सन में फर्दर क्या करवा सकती है जाकर के ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकती है। तो बिल्कुल सभी को जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन के आंसर आपको तुरंत जल्दी जल्दी से कमेंट सेशन की स्पीड को बना करके रखना है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, ऐश्वर्या का आंसर आ रहा है इसको लॉक कर दिया जाए, हरकेश का आंसर है ए होगा तो कभी भी पर्सन में एंकरेज द एक्टिविटी को एंकरेज नहीं किया जाता है। जितनी ज्यादा आप एक्टिविटी को एंकरेज करते हैं उतनी ज्यादा इसमें क्या देखने को मिलती है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाती है। एडमिनिस्टर द IM इंजेक्शन तो IM इंजेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा तो थ्रोम्बोलाइटिक के केस में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होती है ये बढ़ जाती है। और जब यहाँ पर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो पर्सन में क्या हो जाएगा हेमेटोमा देखने को मिलता है तो IM इंजेक्शन को अवॉइड किया जाता है पर्सन में, जिसमें पर्सन में वेंटिलेट का काउंट कम हो गया तो भी पर्सन में क्या नहीं लगाते हैं IM इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। मेंटेन द आर्टेरियल प्रेशर फॉर द 10 सेकंड के लिए आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन नहीं करते हैं, कम से कम आपको 30 सेकंड के लिए आपको प्रेशर लगाना होता है ताकि यहाँ पर ब्लीडिंग होने की रिस्क होती है वो हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यूज द रेडियल आर्टरी टू ऑब्टेन द ब्लड गैस सैंपल, ब्लड गैस का एबीजी का आपको सैंपल लेना है तो उसके लिए रेडियल आर्टरी का यूज किया जाएगा इज द राइट आंसर है डिस्कशन। और क्लाइंट में उसको प्रेस कर करके रखना है तब तक कि यहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है तो कंटिन्यूस प्रेशर लगाना है बार बार में हटा करके नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, नर्स शुड मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग है, लेबोरेटरी वैल्यू को मॉनिटर करने वाली है। एक क्लाइंट है जिसमें कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस देखने को मिल रहा है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है एक्यूट कंडीशन की वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से पर्सन में क्या हो गया है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डेवलप हो गया है। द नर्स शुड असेस द मॉनिटर द विच ऑफ द फॉलोइंग है, लेबोरेटरी वैल्यू को देखने वाले हैं तो पैंक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसमें भी क्या हो जाएगा पैंक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाता है या फिर किसी तरीके का पैंक्रियाज का इन्फेक्शन हो जाएगा तो डिक्रीज द यूरिन एमाइलेज
लेवल यूरिन एमाइलेज का लेवल कम होगा, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, या डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम होगा, या इंक्रीज द सीरम एमाइलेज और लाइपेज का लेवल देखने को मिलेगा। तो जल्दी से बात करते हैं यहाँ पर पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। तो पैंक्रियाज के इन्फेक्शन को नाम दिया जाता है पैंक्रियाटाइटिस के नाम से जाना जाता है। पर्सन में पैंक्रियाटाइटिस होने की संभावना, सम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पैंक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो आंसर कमेंट करना है अल्कोहलिज्म की वजह से, दारू पीने की वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है, या फिर आप पटियाला पैक लगाते हैं, लिटिल पैक लगाते हैं, हाफ पैक बनाते हैं, ढोला मारू पीते हैं, या फिर किसी तरीके का इंग्लिश ब्रांड पीते हैं, सभी के केस में क्या होता है, लंबे समय तक आप शराब का सेवन कर रहे थे तो उसकी वजह से पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, एल्कोहलिज्म की वजह से मोस्ट कॉमन टाइप का पैंक्रियाटाइटिस होता है। तो मोस्ट कॉमन पूछ लिया जाए या फिर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस पूछ लिया जाए या क्रॉनिक हेपेटाइटिस पूछ लिया जाए, इन दोनों का आंसर जाएगा कि एल्कोहलिज्म की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन पूछ लिया जाए अब क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का कारण बता दीजिए, बोले गुरु जी अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ है तो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, या तो उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या फिर पर्सन में क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है पर्सन में, यहाँ पर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन करवा देती है पैंक्रियाज को, डैमेज करने का काम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर जब भी पर्सन में पैंक्रियाटाइटिस होता है तो पैंक्रियाटाइटिस में एक साइन देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला यहाँ से क्वेश्चन है कौन सा साइन देखा जाता है, तो पर्सन में कुलेन साइन देखने को मिलता है। कुलेन साइन का मतलब होता है कि पेरी एम्लाइकल ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा पर्सन में, एम्लाइकस के चारों ओर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसे नाम दिया जाता है कुलेन साइन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन में टर्नर साइन देखने को मिलता है, टर्नर साइन का मतलब क्या होता है, बात करें तो फ्लैंक रीजन में क्या हो जाता है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, तो फ्लैंक रीजन में क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है, वहां पर भी ब्लूइश डिस्कलरेशन देखा जाता है। तो मैंने एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन पहले पढ़ा रखा है कुलेन साइन एंड टर्नर साइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बता दीजिए बोले गुरु जी कुलेन साइन और किसमें देखने को मिलता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो फर्स्ट तो पैंक्रियाटाइटिस में देखा जाता है सेंट्रल जो कुलेन साइन होता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है पर्सन में, फीमेल में क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो नॉर्मल यूट्रस में जहां पर बच्चा नन्ना मुन्ना रसगुल्ला जाकर के रुकता है वहां पर नहीं है आपकी बार, या तो फेलोपियन ट्यूब में या अदर देन द नॉर्मल यूट्रस की जगह दूसरी जगह पर बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा 97% चांसेज होते हैं, 95% चांसेज होते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के, ट्यूबल प्रेगनेंसी में मेनली जहां पर फेलोपियन ट्यूब होती है वहीं पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भैया जी और भाभी जी के बीच में T20 का मैच हुआ, उसके बाद में स्पर्म और ओवम का मिलन हुआ, जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद में यहाँ पर एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया, वहीं पर सीलिया होती है, मेनली बात करें तो यहाँ पर सीलिया पाई जाती है फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया पाई जाती है और उसका एम्पुला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है मेनली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो एम्पुला में क्या नहीं थी, यहाँ पर सीलिया एब्सेंट थी, तो सीलिया का फंक्शन क्या होता है, सीलिया का फंक्शन होता है कि ये क्या करवाती है, मूवमेंट ऑफ द जायगोट, जो भी आपके मूवमेंट होता है जायगोट के मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, जो भी आपका जायगोट बना है उसको आगे ले जा करके कहां तक पहुंचाने का काम करती है, एंडोमेट्रियम में ले जा करके आपके यूट्रस में ले जाने का काम करती है। तो अगर सीलिया डैमेज हो गई है फीमेल में भाभी जी में तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ था वहीं पर किलकारियां गूंजने लग जाती है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा
बिल्कुल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और पेंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। सभी का आंसर आ रहा है कि डी को लॉक कर दिया जाए, इंक्रीज द सीरम में एमआईएलएज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बात करते हैं यहाँ पर पेंक्रियाज से रिलीज होने वाले दो एंजाइम्स के बारे में, जिन्हें नाम दिया जाता है एमआईएलएज एंड लाइपेज के नाम से जाना जाता है। एमाइलेज का मतलब क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, ये दोनों आपके पैंक्रिया से रिलीज होने वाले एंजाइम होते हैं, तो पैंक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन में दोनों का लेवल होगा वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो एमाइलेज एंड लाइपेज होता है ये बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू के बारे में कि एमाइलेज और लाइपेज का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो बात करें लाइपेज 10 से लेकर के 140 यूनिट पर लीटर होगा, एमाइलेज की बात करें तो 0 से लेकर के 160 यूनिट पर लीटर ये इसकी नॉर्मल वैल्यू आई जाती है। बात करें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस तब कहा जाता है जब इनकी वैल्यू होती है 3 to 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है, एमाइलेज और लाइपेज होगा इसकी नॉर्मल वैल्यू से 3 to 10 टाइम इंक्रीज वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, तो पर्सन को कहा जाता है पर्सन में क्यूट देखने को मिल रहा है, क्यूट पैंक्रियाटाइटिस देखने को मिलेगा। एएसटी एएलटी एसजीओटी एसजीपीटी ये आपके रिलीज होते हैं, लीवर से रिलीज होने वाले हेपेटिक एंजाइम होते हैं, तो अक्यूट क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन है, तो पैंक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन में इनका लेवल होता है 3 to 10 टाइम इंक्रीज देखने को मिलेगा। बात करते हैं एसजीओटी एसजीपीटी आपके लीवर से रिलीज होने वाले होते हैं, जिसमें बात करें हेपेटिक टॉक्सिसिटी हुई है, हेपेटिक इन्फ्लेमेशन हुआ है यहाँ पर, तो उसमें उसका लेवल होता है हुआ देखने को मिलता है, तो हेपेटाइटिस के केस में एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये सभी आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, बोले गुरु जी अगर दोनों यहाँ पर एग्जाम में आ गए तो फिर आपको आंसर क्या देंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। अगर क्वेश्चन में दोनों अलग अलग दे दिया जाए, इंक्रीज द सीरम एमाइलेज एंड इंक्रीज द सीरम लाइपेज, तो फिर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कर दिया जाए। एक में ऑप्शन है सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ गया, सेकेंड ऑप्शन है कि सीरम लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो फिर इसमें से राइट आंसर है क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। ऐश्वर्या का आंसर आ रहा है लाइपेज को लॉक कर दिया जाए, तो एल से याद रखना है लाइपेज और एल से याद रखना है पैंक्रियाज का लाडला कौन सा होता है, एल फॉर लाइपेज एंड एल फॉर लाडला, तो लाडला से आपको याद रखना है ये पैंक्रियाज का लाडला है, जो लाडला होता है वो स्पेसिफिक होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मोर स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा होता है जो कि पैंक्रियाज में होने वाले चेंजेस को बताने के लिए जिम्मेदार होता है, तो आंसर कमेंट करना है एल से लाइपेज और एल से देखने को मिलेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो आपको पर्सन को क्या करना है, कभी भी बोल देना है कि एल्कोहलिज्म से जितना बच करके रहोगे उतने फायदे में रहोगे, बोल देना है पर्सन को आपको किसी तरीके की ड्रिंकिंग नहीं करनी है, हद में रहोगे तो मिजाज देखोगे और हद पार कर दी तो हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे और पार कर दी हद तो मिजाज देखोगे, तो बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, एल्कोहलिज्म लेने से मना करना है, लेकिन आपके समझाने के बाद भी पर्सन नहीं मानता है तो बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल हम बनने के लिए तैयार हो जाइएगा। बात करते हैं जहां पर युद्ध होते थे पुराने जमाने में, आज भी पहले पर्सन को समझाया जाता था कि मान जाइए युद्ध का नुकसान है वो भारी भुगतना पड़ेगा, लेकिन जब पर्सन नहीं मानता था तो लास्ट में क्या हो जाती थी, पर्सन के हैत हो जाती थी, तो पर्सन को आपको समझाना है बहुत ही नुकसानदायी है, बिल्कुल तबाही ला सकती है आपके जीवन में, के परिवार वालों के जीवन में खुशियां पा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से, एक एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का, जल्दी से मैक्सिमम अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा ताकि सभी को इस इंपॉर्टेंट सेशन का लाभ मिल सके। फॉर द क्लाइंट विद ए सबस्टांस अब्यूज प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट हेल्पफुल एड द क्लाइंट इन डीलिंग विद द फीलिंग्स एंड कंसर्न रिलेटेड टू द एल्कोहल एंड ड्रग, इंडिविजुअल थेरेपी दोगे पर्सन में, सेशन लाओगे, सोलिटरी एक्टिविटी या
रिक्रिएशन देखने को मिलेगा। पर्सन है जिसको कि संस्थान से अब्यूज वाली प्रॉब्लम है, पर्सन में लत लग चुकी है, तो लत ही लगानी है, तो बिल्कुल आपको पर्सन में अल्कोहल की लत लगी है। अगर आपको नशा ही करना है तो मेहनत का करिएगा, अगर आपको नशा करना है तो मेहनत का करो, अगर लत भी आपको लगेगी तो आपको सफलता वाली लगने वाली, इसलिए आपको मेहनत का बिल्कुल यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो पर्सन में डिक्रीज है यूरिन एमाइलेज, यूरिन एमाइलेज का लेवल होता ही है, डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर यूरिन एमाइलेज का लेवल है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एमाइलेज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो कोई भी चीज ब्लड में बढ़ने लग जाती है, तो वो क्या हो जाती है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके यूरिन के थ्रू बाहर आने लग जाती है, तो जब ब्लड में यहाँ पर ज्यादा होती है तब यूरिन में देखने को मिलेगा, इंक्रीज द कैल्शियम है, इसीलिए जब भी पर्सन की बॉडी में 180 mg/dL तक अगर ब्लड ग्लूकोज है तो वो यूरिन में नहीं आता है, लेकिन रीनल थ्रेशोल्ड को जैसे ही क्रॉस करता है 180 इसका रीनल थ्रेशोल्ड है, 180 के बाद में ब्लड यूरिन में आने लग जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोज यूरिया देखने को मिलता है, ग्लाइकोज यूरिया कब देखने को मिलेगा, जब पर्सन में 180 mg/dL से ज्यादा हो जाता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज नहीं होता है, जब पैंक्रियाज काम नहीं करेगा, पैंक्रियाज काम नहीं करेगा, बीटा सेल से सिक्रेशन होने वाला इंसुलिन काम नहीं करेगा, जब इंसुलिन काम नहीं करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि एक ऐसा हार्मोन जो कि ग्लूकोज का डाइजेशन करवा देता है, ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करेगा, जब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा, पर्सन में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, आंसर आ रहा है डी को ऑफ कर दिया जाए कि यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जाती है पर्सन में, कोई पर्सन है बहुत लंबे समय से दारू ले रहा था या फिर किसी तरीके का सब्सटेंस का अब्यूज ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसके बाद में पर्सन में क्या देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट हेल्पफुल एड इन द क्लाइंट इन डीलिंग विद द फीलिंग्स एंड कंसर्न रिलेटेड टू द एल्कोहल एंड ड्रग, क्या इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, तो ऐसे पर्सन में इंडिविजुअल थेरेपी नहीं दी जाती है, सोलिटरी एक्टिविटी करवाओगे तो सोलिटरी एक्टिविटी होती है, सोलिटरी प्ले जो कि मोस्ट कॉमन जी किसमें देखा जाता है, इन्फेंट में देखा जाता है, रिक्रिएशनल यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करवानी है, बात करें तो क्या दिया जाता है, ग्रुप सेशन है यहाँ पर, ग्रुप सेशन बनाए दिए जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अल्कोहलिक एनोनाइमस ग्रुप के बारे में, तो अल्कोहलिक एनोनाइमस ग्रुप का आपने नाम सुना है, जहां पर पर्सन में क्या रखा जाता है, बहुत से लोगों को एक साथ रखा जाता है, ऐसे पर्सन जिन्होंने कि पहले अल्कोहलिज्म की बहुत बुरी लत लगी हुई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे करके क्या कर दिया है, अल्कोहल लेना बंद कर दिया है, तो भी आपका राइट आंसर रहने वाला है अल्कोहलिक एनोनाइमस ग्रुप है। एल्कोहलिक एनोनाइमस ग्रुप बना दिए जाते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का सब्सटेंस है तो टाइप का ग्रुप बना दिया जाता है, ऐसे पर्सन उसमें रखे जाते हैं जिन्होंने कि पहले वो बुरी तरीके से उनका शिकार था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस पर क्या पाली है, विजय पाली है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है, किस तरीके से आपने यहाँ पर छोड़ा है, उसी तरीके से पर्सन में पॉजिटिव मोटिवेशन यहाँ पर पॉजिटिव बातें उनको सिखाई जाती है, तो बिना बताए शराब छुड़ाए, ये बिल्कुल आपका किस टाइप का देखने को मिलता है अल्कोहलिक एनोनाइमस ग्रुप में, जिसमें मेनली यहाँ पर हवा नहीं दी जाती है, तो अल्कोहलिक थेरेपी होती है, एवर्जन थेरेपी में तो आप किसी तरीके की ड्रग का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेशन में दवा का यूज नहीं किया जाता है, केवल और केवल आपके भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को चेंज करके यहाँ पर पर्सन को अच्छी तरीके से यहाँ पर सोशल एक्सेप्टेबल लाइफ में लाया जाता है, तो भी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एवर्जन थेरेपी का मतलब होता है शराबी को बिना बताए शराब चुराए बाबा जी की बबूते खा करके अगर पर्सन को आप दे देते हैं, जिसमें क्या होता है आई सल्फिराम बाबा जी बना करके दे देता है, और वो जब पर्सन को चलाई जाती है तो पर्सन में सीवियर तरीके से वॉमिटिंग नोजिया एजिटेशन है, और इसके साथ साथ में पर्सन में
पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, जी घबराता है, वॉमिटिंग होती है, उसकी वजह से पर्सन पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वो घर वालों की बातों पे विश्वास करने लग जाता है कि अब दारू में क्या आने लग गई है, मिलावट आने लग गई है, पीऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में बिल्कुल यहाँ पर केज क्वेश्चन रहेगा, यूज किया जाता है, तो पर्सन है एग्जाम में क्वेश्चन ए वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, केज क्वेश्चन राय का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो एग्जाम में आंसर देना है बिल्कुल आपको एल्कोहलिज्म के पर्सन में केज क्वेश्चन राय का यूज किया जाता है, इसमें आपको आंसर लेना है। यस बोलता है तो एक नंबर देना है, नो बोलता है तो जीरो नंबर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। अंकित टांग का आंसर आ रहा है डी को लॉक कर दिया जाए। ए क्लाइंट एज द सिस्टाइटिस नर्स शुड असेस फॉर द फर्दर, क्या देखने को मिलेगा पर्सन में सिस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस का मतलब होता है क्या देखने को मिलेगा पर्सन में, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है पर्सन में। अगर यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो गया है तो और क्या पर्सन में देखने को मिलेगा, जल्दी से सभी अपना आंसर कमेंट करिएगा। टुकर टुकर काय को देखते हो, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा बिल्कुल क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। सभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए क्या राइट आंसर रहने वाला है। आंसर आ रहा है ए होगा, डी होगा, ए और डी में बिल्कुल है कंफ्यूजन चल रहा है। बात करते हैं राइट आंसर के बारे में तो ए आपका राइट आंसर नहीं रहने वाला है। ए राइट आंसर कब होता है, जब पर्सन में पाइलोनेफ्राइटिस है देखने को मिलेगा। अगर पर्सन में पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है, पाइलोरस पार्ट और नेफ्रोन का इन्फ्लामेशन हो गया है, किडनी का इन्फ्लामेशन हो गया है, तो फ्रैंक पेन देखने को मिलता है, ये आपका राइट आंसर है नहीं रहने वाला है। ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा या नॉजिया वोमिटिंग होगा या फाउल स्मेलिंग यूरिन देखने को मिलता है। ओलिगो यूरिया, नॉजिया एंड वोमिटिंग ये मोस्टली कॉमनली किसमें देखे जाते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलेगा, फाउल स्मेलिंग है। द क्लाइंट हैज सिस्टाइटिस, हैज द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर फर्दर, असेस द क्लाइंट फॉर फर्दर टीचिंग नहीं है मेरे दोस्तों, क्लाइंट को फर्दर असेस करना है। अगर क्लाइंट में यहाँ पर सिस्टाइटिस है तो और कौन से इसमें साइन एंड सिम्टम है देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको फर्दर टीचिंग के बारे में ध्यान नहीं देना है। फर्दर टीचिंग नहीं है, फर्दर टीचिंग का मतलब है क्लाइंट ने कुछ गलत बोला है, अब आपको उसको कुछ समझाना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फर्दर आप है किसके लिए असेस करने वाले हैं क्लाइंट को, इसका मतलब हुआ सिस्टाइटिस हो गया, सिस्टाइटिस में और कौन से साइन एंड सिम्टम है देखने को मिलेगा तो वो आपको बताना है। अब आंसर कमेंट करिएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है डी को ड्रॉप कर दिया जाए, पर्सन में फाउल स्मेलिंग यूरिन देखने को मिलता है, तो इरिटेंट स्मेल आने लग जाती है यूरिन में। करें यहाँ पर यूरिन का कलर होता है वह नॉर्मल कैसा होता है, येलो कलर का देखने को मिलता है, तो येलो टू क्लियर कलर है यूरिन पाया जाता है। जब भी आप क्या करते हैं हाइपरवोलेमिया वाली कंडीशन होती है जिसमें यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आप में ऑलिगो यूरिया वाली कंडीशन है, यूरिन आउटपुट कम हो गया, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, तो फिर उसमें येल्लो कलर का यूरिन है, डार्क येल्लो कलर का यूरिन देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुड मॉर्निंग है दलेश्वर को, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। एक क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए क्लियरेंस टेस्ट, सच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू मेक क्लाइंट अबाउट द नीड टू कलेक्ट द यूरिन, 24 आवर यूरिन का सैंपल कलेक्शन करना है, प्रिपेयर टू इंसर्ट द
कंजूसिंग यूरिन कैथेटर इंसर्ट करोगे, प्रोवाइड द क्लाइंट विद स्टेराइल यूरिन कलेक्शन कंटेनर है, या इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फोर्स द फ्लूड 3000 ml पर डे। जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। नॉर्मल पेल येलो अंबर कलर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल 80-20 के साथ में अगर रूल आ रहा है तो आपको जीना पड़ेगा, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। अब आप जितने ज्यादा लेट तक इस पे बहस करोगे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट कर लिएगा कर लीजिए। आपको 80-20 के साथ जीना है तो उसमें आपको बहस नहीं करनी है। आने वाले एग्जाम में 80-20 के बाद में 20% अगर आप में सीट बची हुई है उसी पर आपको बॉयज को सिलेक्शन लेना है, तो वो बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपको केवल एक सीट चाहिए होती है तो 80-20 से उसमें आपको फर्क, आपके जज्बातों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर, जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्या राइट आंसर होगा। आंसर आ रहा है सी को लॉक कर दिया जाए, प्रोवाइड द क्लाइंट स्टेराइल कनेक्टर कंटेनर। तो यहाँ पर किसी तरीके का स्टेराइल कंटेनर की जरूरत नहीं होती है आपको। तो स्टेराइल कंटेनर की जरूरत कब पड़ती है, जब आप यूरिन सीएस का सैंपल लेते हैं। यूरिन का अगर सैंपल लेते हैं आप सीएस के लिए तो वहां पर आपको स्टेराइल कंटेनर चाहिए होता है। यहाँ पर आपको स्टेराइल कंटेनर लेने की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको क्या देखना है क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट करना है, क्रिएटिनिन का लेवल देखना है। तो यूरिन आपका 24 आवर का यूरिन यहाँ पर कलेक्शन किया जाता है। तो ये इज द राइट आंसर है। जरूरत नहीं है, अगर पर्सन सेल्फ पॉइडिंग है तो वो 24 आवर का यूरिन कलेक्शन कर लेगा। यूरिन कलेक्शन 24 आवर का मोस्ट कॉमनली कब किया जाता है, 8 AM से लेकर के 7 AM तक का कलेक्शन किया जाएगा। फर्स्ट को क्या कर दिया जाता है, फर्स्ट यूरिन को डिस्कार्ड करते हैं। अगर आप यहाँ पर कैथेटर लगा रखा है, यूरो बैग से सैंपल लेते हैं तो फर्स्ट को आपको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट 24 आवर के लिए उसको आप कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फोर्स द फ्लूड 3000 ml पर डे, आपको बढ़ाना नहीं है। ये कब फ्लूड इंक्रीज कब किया जाता है, जब पर्सन में किसी भी तरीके का यूटीआई के रिस्क होती है तो पर्सन में क्या कर दिया जाता है, फ्लूड इनटेक को बढ़ा दिया जाता है। डिहाइड्रेशन के केस में फ्लूड इनटेक बढ़ा देते हैं ताकि क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूटीआई के रिस्क होती है उसको कम किया जा सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है आउट हो जाते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम में वाटर इनटेक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो कैनाल है वह फ्लश होती रहती है और जो रिस्क होती है इन्फेक्शन के आगे बढ़ने की फर्दर वह की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, After the several month of taking the olanzapine, the client report that he is no longer hearing the voice of the any kind. Which of the following would confirm that the client is developing the insight into the illness that Zyprexa is the best? Serum creatinine level होता है 0.7 से लेकर के 1.2 mcg पर डीएल। आई डोंट रियलाइज हाउ द सिक आई कुड गेट फ्रॉम ए केमिकल ब्रेन इम्बेलेंस। केमिकल ब्रेन इम्बेलेंस के बारे में आपको पता लग रहा है, इसका मतलब है पर्सन में पहले क्या नहीं थी, इनसाइट प्रेजेंट नहीं थी। ओलाजेपाइन है, ओलाजेपिन क्या होती है, ये आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। तो टिपिकल एंड एटिपिकल दो टाइप की एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है जिसको मेनली साइकोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज की जाती है। मोस्ट कॉमनली एंटीसाइकोटिक आपने नाम सुना होगा सिज़ोफ्रेनिया के केस में करते हैं। सिज़ोफ्रेनिया होता है बैट का डिसऑर्डर होता है जिसमें बिहेवियर अफेक्ट एंड थॉट होते हैं। ये तीनों
अफेक्टेड हो जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस ऑफ द बिहेवियर थॉट एंड अफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत से टाइप के सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। सेकंड बात करें, एपिफ्रेनिक होता है पैरानोइड, जिसमें मोस्ट कॉमनली डेल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो पर्सिक्यूशन का मतलब होता है शख्स संदेह करता है, लोगों के बारे में विश्वास नहीं रखता है, लोगों को उसको लगता है कि ये दो लोग मिलकर के मेरे को मारना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करें, डेल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब होता है, तो उसको जब भी दो व्यक्ति किसी तरीके की बातें करते हैं, उसको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो एलर्जी पॉइंट क्या होती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये जाकर के वेट को गेन करवाने का काम करती है, वेट गेन करेगी तो पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, ऑबेसिटी देखने को मिलती है, पर्सन पतली कमरिया से मोटी कमरिया की हो जाती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। तो पहले पर्सन में पता नहीं था कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेन का इम्बैलेंस है, केमिकल इम्बैलेंस है, पर्सन को एहसास होने लग गया है कि मेरे में क्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो समझ जाता है। तो हम जब तक पर्सन में यहाँ पर इनसाइड प्रेजेंट नहीं होती है, आप कह दीजिएगा आप बीमार है, आप यहाँ पर पागल होने वाले है, आप में साइकोटिक प्रॉब्लम हो गई है, आप मेंटली इलनेस है, कभी भी आपकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला है। वो कहेगा सर जी बोले गुरु जी आपका माथा खराब हो गया है, आपका भेजा खराब हो गया है, मैं बिल्कुल एकदम फाइन हूँ, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है, मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, किसी तरीके की कोई शिकायत मेरे में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन न्यूरोसिस वाला पर्सन होता है, उसको खुद को एहसास होता है इस बात का कि उसमें कुछ दिनों से कुछ हलचल देखने को मिल रही है, पर्सन में देखने को मिल रही है, तो वो आपकी बात मान लेता है, मानने के बाद में ट्रीटमेंट कर देता है। तो न्यूरोसिस और साइकोसिस में सबसे बड़ा अंतर यही होता है, इनसाइट का होता है, तो इनसाइट न्यूरोसिस में प्रेजेंट होती है, पर्सन खुद सेल्फ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसमें किसी तरीके की मेंटल इलनेस हो गई है, जबकि साइकोसिस वाला पर्सन कभी भी आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा कि उसमें किसी तरीके के कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। भी आपका राइट आंसर रहने वाला है, पर्सन में पहले मान नहीं रहा था कि केमिकल इम्बैलेंस है, ओलाजा पेन आपने चलाया, ओबेसिटी है, ये पर्सन में करवा देती है। न्यूअर एंटीसाइकोटिक के नाम से भी जानते हैं, तो एटीपिकल है वो कौन सी है, न्यूअर एंटीसाइकोटिक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले सीपीजेड की खोज हुई थी, सीपीजेड क्लोप्रोमाजीन कब खोजी गई थी, तो आंसर देना है 1952 में इसके डिस्कवरी करी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं पटना, आपको याद रखना है पटना का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव सिम्टम है तो उसको किससे ट्रीट किया जाएगा, अगर पर्सन में सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम आ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वह टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, जबकि अगर पर्सन में नेगेटिव सिम्टम आ रहे हैं तो दो टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया के केस में, तो नेगेटिव सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का यूज किया जाता है, जिसमें मेनली टिपिकल की बात करें तो हैलोपेरिडोल देखने को मिलता है, जो कि इम्पोर्टेंट ड्रग होती है, सबसे ज्यादा आईएस क्या करवा देती है, ईपीएस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम करवाने का काम करती है। ईपीएस चार टाइप का देखने को मिलता है, एकाथीसिया होगा, एकाथीसिया में वॉकिंग एंड टॉकीज के नाम से भी जाना जाता है, पर्सन एक जगह पर रुक करके बैठ नहीं पाता है, आपने 5 मिनट यहाँ पे देखा तो 10 मिनट के बाद में कहीं और ही देखने को मिलता है उसे, मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला ईपीएस टीसिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एलोपेरिडोल होती है, ये आपकी कलर ड्रग होती है, जो टेक्निक यूज मेथड यूज किया जाता है, मसल्स डिस्टोनिया देखने को मिलेगा, जिसमें क्या हो जाता है रोलिंग बैक ऑफ द अंग देखने को मिलती है, अंग होती है और रोलिंग बैक होकर के पीछे चली जाती है और क्या करवा देती है यहाँ पर पर्सन में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्टिकोलिस देखने को मिलेगा, टॉर्टिकोलिस का मतलब होता है गर्दन का इस तरीके से मुड़ जाना, पर्सन की गर्दन जैसे आप लंबे समय तक अपनी सोना मोना बाबू के साथ में गाड़ी चलाते समय बातें करते रहते हैं तो आपकी गर्दन इसी तरीके से रहती है, बिल्कुल इस तरीके से अपने
गाड़ी को बाइक को कंट्रोल करते रहते हैं तो ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ज्यादा देर तक फोन पर बातें नहीं करनी है और गाड़ी चलाते टाइम तो कभी भी बात नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी आप पर्सन में टाइट मसल डिस्टोनिया क्या होता है, अर्लीस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले कौन सा आता है, मसल्स डिस्टोनिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया के बारे में, इरिवर्सिबल होता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, रैबिट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। पर्सन में क्या हो जाती है, टंग होती है वो कुत्ते की तरह निकल करके बाहर आ जाती है और लोअर का फेस होता है, लोअर जो होता है इसका रेगुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। बिल्कुल आपके रैबिट की तरह सारे दिन क्या चलाता रहता है, जबड़ा चलाता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑकुलोगाइरिस भी देखने को मिलता है मसल्स डिस्टोनिया में। नेक्स्ट बात करें एनएमएस के बारे में, एनएमएस का मतलब होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा सीवियर होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें पर्सन में हाई ग्रेड फीवर और इसके साथ में नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए खतरनाक कौन सा है, डेंजर कौन सा है, सीवियर कौन सा है, एनएमएस आप आंसर दे देना। सबसे पूछ लिया जाए कॉमन कौन सा है, उसका तीसरा आंसर देना है। पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन सा आता है, हर्लीएस कौन सा आता है, तो मसल डिस्टोनिया होगा। पूछ लिया जाए कि इरिवर्सिबल कौन सा होता है, जो एक बार हो गया सही होने का नाम ही नहीं लेता है, तो आंसर देना है कि टार्डिव डिस्काइनेसिया देखने को मिलेगा। ये सभी आपके इंपोर्टेंट यहाँ से ईपीएस से बनने वाले क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पायरामिडल, तो दो टाइप के नर्व ट्रैक्ट पाए जाते हैं, पायरामिडल एंड एक्स्ट्रा पायरामिडल नर्व ट्रैक्ट। तो पायरामिडल नर्व ट्रैक्ट होता है ये आपकी मेनली बात करें बेसल गैंग्लिया होती है, ये इनको एक्स्ट्रा पायरामिडल मूवमेंट को कम करने का काम करती है। लेकिन पर्सन में बेसल गैंग्लिया का फंक्शन डिस्टर्बेंसेज हो जाएगा तो पर्सन में एक्स्ट्रा पायरामिडल आने लग जाते हैं। बात करते हैं जब पर्सन में हेलोपेरिडोल दिया जाता है या एंटी साइकोटिक ड्रग दी जाती है तो डोपामिन के लेवल को जाकर के कम करवाने का काम करती है, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया में डोपामाइन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए एक ड्रग दी जाती है, उसे एंटी साइकोटिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपका हेलोपेरिडोल का आपको ध्यान रखना है। तो पर्सन में जब भी एंटी साइकोटिक देते हैं ये डोपामिन के लेवल को करवा देती है। जब पर्सन की बॉडी में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, कोई डिजीज नहीं थे लेकिन एंटीसाइकोटिक देने की वजह से हुआ है, इसीलिए इसे स्यूडो पार्किंसोनिज्म के नाम से जाना जाता है। स्यूडो क्यों कहा, क्योंकि ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम नहीं था लेकिन आपने ऐसी दवाएं दे दी है जो जाकर के डोपामिन के लेवल को कम करने का काम करती है, तो इसीलिए इसे स्यूडो पार्किंसोनिज्म के नाम से जानते हैं। डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। पार्किंसन डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस के लिए लिबोडोपा एंड कार्बिडोपा को यूज किया जाता है। पाइरिडॉक्सिन को अवॉइड करते हैं, विटामिन बी सिक्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से देखने को मिलेगा। रेस्पेरिडोल, हेलोपेरिडोल, सीपीजेड ये आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट आता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसमें क्लोजापाइन का यूज किया जाता है। क्लोजापाइन न्यूअर ड्रग में आती है, सबसे ज्यादा रिजर्व ड्रग होती है। एंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसे एंटी सुसाइडल ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, तो लिथियम एंड क्लोजापाइन है। मेनली आपका लिथियम सेकेंड नंबर पे जाएगा आंसर, क्लोजापाइन होती है। क्लोजापाइन देने की वजह से डब्ल्यूबीसी के काउंट हम हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी को मॉनिटर करना है वीकली, क्या करवानी है डब्ल्यूबीसी का काउंट मॉनिटर करते रहना है, टीएलसी डीएलसी करवाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पर्सन में ओलंजापिन देते हैं जो ओबेसिटी करवाने का काम करती है। क्वाटापाइन होती है जो की कैटारैक्ट करवाने का काम करती है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पर्सन में ग्रेन्युलोसाइट के नंबर को कम कर देती है, तो ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया और ग्रेन्युलोसाइट के नंबर बढ़ जाते हैं, इसलिए ग्रेन्युलोसाइटोसिस करवाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। तो ए क्लाइंट हु इज द कंप्यूटर ऑपरेटर हैज डेवलप द कार्पल टनल सिंड्रोम, द नर्स कैन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिलीव द पेन बाय मैनेजिंग द डिक्रीज द सर्कुलेशन टू द ब्रेकियल नर्व मसल्स एट्रोफी रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्यूज मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से या प्रोग्रेसिव फ्लेक्चर कॉन्ट्रेक्चर ऑफ द रिस्ट देखने को मिलेगा। क्या राइट आंसर है? देखने को मिलेगा। बिल्कुल एकाथीसिया से भी क्वेश्चन आया था कि पर्सन वॉकिंग एंड टॉकिंग करने में लगा हुआ है, एक जगह रुक करके नहीं बैठ रहा है, तो उसे नाम दिया जाता है एकाथीसिया के नाम से जाना जाता है। तो हर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपकी हर एग्जाम के लिए। बिल्कुल आपकी सभी क्लासे हैं मॉसबे, लिपिन कॉट, एनक्लैक, सोंडर्स, ये सभी क्लासे बिल्कुल है। छोड़ दीजिएगा सभी अपने दोस्तों को ताकि सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। आंसर आ रहा है मीडियन नर्व का कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। बिल्कुल किसी की नहीं सुनने वाला है पर्सन है, मीडियन नर्व का कंप्रेशन है देखने को मिलेगा। तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन होने की वजह से क्या हो जाता है पर्सन में? कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये मेनली आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्लाइंट है विद द टाइप फर्स्ट डायबिटीज मलाइटस इज द शेड्यूल्ड टू हैव द सर्जरी, द क्लाइंट हैज बीन नथिंग बाय माउथ एनपीओ सिंस मिडनाइट इन द मॉर्निंग, द नर्स नोटिस द क्लाइंट डेली इंसुलिन हैज नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड, विच ऑप्शन शुड द नर्स डू फर्स्ट टू ऑब्टेन द क्लाइंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, हेड साइड चेक करोगे। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मलाइटस का पर्सन है जिसको के सर्जरी के लिए शेड्यूल किया गया है, पर्सन को एनपीओ रखा है मिडनाइट से, मॉर्निंग की जो डोज थी इंसुलिन की वो आपने नहीं दी है, द नर्स इंसुलिन हैज नॉट बीन प्रेस्क्राइब, विच एक्शन शुड नर्स डू फर्स्ट, सबसे पहले एक्शन है क्या होगा? कॉन्टेक्ट द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर फॉर द फर्दर प्रेस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द इंसुलिन डोज, गिव द क्लाइंट यूजुअल मॉर्निंग डोज ऑफ इंसुलिन या इन्फॉर्म द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट स्टाफ टू ऑब्टेन द इंसुलिन प्रेस्क्रिप्शन। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? आंसर आ रहा है सहजल का, अंकित का, सी को लॉक कर दिया जाए। गिव द क्लाइंट यूजुअल मॉर्निंग डोज ऑफ द इंसुलिन की मॉर्निंग डोज देने वाले हैं, सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? सी आंसर आ रहा है सभी को। तो जल्दी से सभी लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए कि क्या राइट आंसर है रहने वाला है क्वेश्चन का। तो सी आपका राइट आंसर नहीं होगा, सी आंसर देने वाले को सभी को भचीर लगी है, सबकी भैंस पानी में गई है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्टेन द क्लाइंट है ब्लड ग्लूकोज लेवल एट द बेड साइड में, सबसे पहले आपको पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, आरबीएस चेक की जाती है, आरबीएस चेक करने के बाद ही आप क्या देते हैं, इंसुलिन लगाया जाता है। तो बिना किसी आरबीएस को चेक किए आपको किसी तरीके का इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऐश्वर्या का आंसर है, संदीप का आंसर है, जो विजिटर का आंसर है कि ए को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। पर्सन में सबसे पहले ग्लूकोज का लेवल है चेक किया जाता है और यहाँ पर ग्लूकोज स्लाइड देख करके इंसुलिन स्लाइड स्केल देखते हैं, इंसुलिन स्लाइड स्केल देख करके फिर बाद में आपका इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो पर्सन में क्या देखने को मिल रही है, सर्जरी करवाने जा रहे हैं, बाद में आपको बताना है कितना ग्लूकोज का लेवल आ रहा है, बात करें उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और बाद में आपको क्या देना है अगर जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद में आपको हैंड ओवर कर देना है स्टाफ को, यहाँ पर ओटी वाले स्टाफ को या प्री एनेस्थेसिया वाले, प्री सर्जरी पोस्ट ऑप इंट्रा ऑप वाले स्टाफ को सभी से हैंड ओवर लेते रहना है, देते रहना है। ये आप एक का सीक्वेंस चलता रहता है, एक क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम द ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट यूआरपी सर्जरी, वी आर एक्सपीरियंसिंग द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल रहा है, पर्सन में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यहाँ पर बूंद बूंद आ रही है, डिक्रीज द फ्लूड इनटेक बिकॉज ऑफ द इनकॉन्टिनेंस के कारण फ्लूड इनटेक
एंड हैज द डिक्रीज द फ्लूइड इनटेक, कम कर दिया इनकॉन्टिनेंस के कारण, व्हाट वुड बी द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट, क्या बेस्ट रेस्पॉन्स दोगे आप क्लाइंट को? यस, लिमिटिंग योर फ्लूइड कैन डिक्रीज योर इनकॉन्टिनेंस को कम कर देगा, लिमिट योर द फ्लूइड विल कॉज द किडनी स्टोन कर सकती है, आर ड्रिंक द 8 glasses of water पर डे एंड यूरिनेट एवरी सेकेंड आवरली, आपको यूरिनेट करना है, इफ योर इनकॉन्टिनेंस कंटिन्यू यू विल रीइंसर्ट योर कैथेटर, क्या राइट आंसर रहेगा TURP सर्जरी करने के बाद में ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कर दिया, इसके बाद में यूरिनरी ड्रिबलिंग वाली प्रॉब्लम होती है, ये मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, आंसर आ रहा है शरिया का सी को लॉक कर दिया जाए। जल्दी से सभी अपना आंसर कमेंट करिएगा, अंकित का आंसर आ रहा है, बात करते हैं हम पर्सन में TURP सर्जरी करी है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन और प्रोस्टेट, तो किसी भी तरीके का यहाँ पर एब्डोमिनल इंसिजन नहीं लगाया जाता है, लोअर एब्डोमिनल में किसी तरीके का कोई इंसिजन नहीं लगाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू आपको क्या कर दी जाती है, सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है। आफ्टर द ट्रांसयूरेथ्रल सर्जरी के बाद में मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है, ट्रिपलिंग ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, तो बूंद बूंद यहाँ से सिंचाई होती रहती है, बात करें तो यहाँ पर यूरिन का लीकेज देखने को मिलता है, क्योंकि जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर क्या हो जाता है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर का करेक्टर यहाँ पर ढीला हो जाता है, और जब यूरेथ्रल स्पिंक्टर का करेक्टर ढीला हो गया तो वहां से यूरिन का लीकेज देखने को मिलता है। अब जल्दी से आंसर कमेंट करिए, आंसर आ रहा है संदीप का भी होगा, लिमिट योर फ्लूइड विल कॉज द किडनी स्टोन, बात करते हैं राइट आंसर के बारे में, तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, तो ड्रिंक द 8 glasses ऑफ द वाटर, वाटर के आपको बिल्कुल क्या लेना है, वाटर किसी तरीके का वाटर इनटेक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में TURP हुआ है, तो TURP के बाद में मोस्ट कॉमन रिस्क क्या होती है, यहाँ पर पर्सन में क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड के क्लॉटिंग देखने को मिल सकती है इन द ब्लाडर, ब्लाडर में क्या हो सकती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, इसीलिए आपका वाटर इनटेक है वो 2 से 3 liters पर डे आपको बढ़ा करके रखना है, तो यहाँ पर वाटर इनटेक को बढ़ाना है 3000 ml आपको पर डे कम से कम है वाटर लेना है, ताकि आप प्रिवेंट कर सके ब्लीडिंग में क्लोटिंग होने से, यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है, ब्लाडर में किसी भी तरीके का क्लोटिंग का फॉर्मेशन है नहीं होना चाहिए, तो जैसे जैसे क्लोटिंग होगी वो तुरंत क्या होता रहता है, वॉश आउट देखने को मिलेगा, तो भी आपका आंसर नहीं होगा, कम से कम 8 से 10 glasses आपको पानी पीना है एवरी सेकेंड आवरली, आपको वॉइडिंग जाना है तो सेकेंड आवरली ये आपको क्या कर लेना है, कर लेना है, शेड्यूल कर लेना है, ताकि जितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है यूट्रस पर, सॉरी जितना ज्यादा ब्लाडर पर प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा ज्यादा क्या होता है वहां पर यूरिन का लीकेज होता है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आपको सेकेंड आवरली यहाँ पर वॉइडिंग पैटर्न डेवलप कर लेता कर लेना है, ताकि वहां से लीकेज है वो से कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्सन में एक्सरसाइज करवाई जाती है, कौन से एक्सरसाइज करवाते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, तो पर्सन में केगल एक्सरसाइज करवाई जाती है, केगल एक्सरसाइज कराओगे पेरिनियल मसल्स क्या हो जाती है यहाँ पर है। तो आपने नाम सुना होगा केगल एक्सरसाइज फीमेल में भाभी जी में कराई जाती है, ताकि पेरिनियल मसल्स होती है उनके प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, मजबूती हो जाती है, लेकिन बात करें यहाँ पर पर्सन जिसमें के ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो गया है, कैरेक्टर ढीला हो गया है इसका, तो इसमें भी हेल्प मिलता है, तो इसको आप केगल एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाते हैं, केगल एक्सरसाइज करने के लिए पर्सन को बोला जाएगा, डेड्रोसोर मसल्स होती है ये क्या होता है, इसका फंक्शन है कौन सा सिस्टम इस पे एक्ट करता है, पैरासिम्पेथेटिक मसल्स, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम होता है ये, डेड्रोसोर मसल्स या ब्लाडर पर एक्ट करता है, तो जब भी पर्सन में पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेट होता है क्या होता है, यूरिन आउटपुट होता है ये बढ़ जाता है, पर्सन में पोली यूरिया देखने को मिलता है, पर्सन में यूरिन पास आउट या वॉइडिंग की इच्छा होने लग जाती है, जब सिंपेथेटिक एक्टिवेट होता है तो ओलिक यूरिया देखने को मिलता है पर्सन में, किसी तरीके का यहाँ पर
टॉयलेट जाने की इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब पर्सन यहां पर है फ्लाइट ऑफ आई करो या मरो का मुकाबला रहता है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, तो आप सिंपैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ योर इनकॉन्टिनेंस कंटिन्यू वी विल रीइंसर्ट योर कैथेटर, तो आप जितना ज्यादा कैथेटर इंसर्ट करके रखोगे उसकी वजह से यहाँ पर स्फिंक्टर होगा उतना ही ज्यादा आपका ढीला होता चला जाएगा और रिस्क होती है फर्दर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या नहीं करना है, कैथेटर इंसर्ट नहीं करना है, फ्लूड लिमिट नहीं करना है, फ्लूड को बढ़ाना होता है। तो फ्लूड लिमिट करोगे इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए रिस्क फैक्टर क्या देखने को मिलेगा, अवॉइडिंग द यूज ऑफ द डिओडोराइजिंग टेम्पन्स, अल्टरनेट द टेम्पन विद द सैनिटरी पैड, यूजिंग ओनली टेम्पन एट द नाइट, या चेंज द टेम्पन एवरी 3 आवर्स देखने को मिलेगा। टीएल एक्सरसाइज करवाने की वजह से मसल्स में स्ट्रेंथ होती है वो उसकी इंप्रूव देखने को मिलेगी, तो स्फिंक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है और उसकी वजह से ट्रेवलिंग ऑफ यूरिन होता है वो ट्रीट किया जा सकता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। आंसर आ रहा है ए को लॉक कर दिया जाए, चेंज द टेम्पन एवरी 3 आवर्स। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है ये आपका बैक्टीरियल जो इंफेक्शन होता है, बैक्टीरिया की इंफेक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो पर्सन में टीएसएस का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है। वो पर्सन में कब देखने को मिलता है, जब पर्सन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो पर्सन में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। पर्सन में हाई ग्रेड फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो पर्सन में हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, पर्सन में यहाँ पर रैशेज देखने को मिलते हैं, तो बॉडी पर रैशेज बन जाते हैं, ये सभी इसके क्लासिकल साइन में इंक्लूडेड किया गया है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में हाई ग्रेड फीवर होता है, हाइपोटेंशन होगा और बॉडी पर रैशेज देखने को मिलते हैं। आंसर आ रहा है दलेश्वर का, अंकित का, ऐश्वर्या का ए होगा। नर्सिंग ऑफिसर का आंसर है सी को लॉक कर दिया जाए। सहजल का आंसर है सी होगा, अल्टरनेट टेम्पन विद द सैनिटरी पैड। तो बात करते हैं राइट आंसर, सभी की भैंस पानी में चली गई है, यहाँ पर किसी का भी राइट आंसर देखने को नहीं मिल रहा है। आपका सी आंसर ए आंसर है, गलत आंसर है। क्वेश्चन में पूछा है रिस्क फैक्टर है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है कि टेम्पन्स का यूज किया जाता है, टेम्पन्स का यूज कब किया जाता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल फ्लो को एब्जॉर्ब करने के लिए टेम्पन्स का यूज किया जाता है। तो 3 आवरली आप अगर चेंज करते हैं टेम्पन, तो ये आपके रिस्क फैक्टर को बढ़ाता नहीं है, कम करने का करेगा। अवॉइड द डिओडोराइजिंग टेम्पन, तो डिओडोराइजिंग टेम्पन्स को अवॉइड किया जाता है क्योंकि डिओडोराइजिंग टेम्पन्स होते हैं ये भी जाकर के क्या करवा देते हैं, इन्फेक्शन की रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं। अल्टरनेट टेम्पन विद द सैनिटरी पैड, एक बार आपने टेम्पन्स लगाया है दूसरी बार में सैनिटरी पैड का यूज किया है तो ये भी रिस्क को कम करने का काम करते हैं। बात करें रिस्क को बढ़ाने का काम करेगा यूजिंग द ओनली टेम्पन एट द नाइट, तो फुल नाइट अगर आपने टेम्पन्स का यूज किया है तो ये क्या करवा सकते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर फीमेल है कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रही है जिसमें मेनली आपने नाम सुना होगा वेजाइनल स्पंज का, टूडे का, ये जाकर के क्या करना होता है, इसको पे डायफ्राम, ये सभी क्या होते हैं इजेक्यूलेशन के 6 आवर तक आपको रखना है, लास्ट इजेक्यूलेशन हुआ है उसके कम से कम 6 घंटे तक रखना है, 24 घंटे से ज्यादा इनको नहीं रखा जाता है। अगर 24 घंटे से ज्यादा रखा गया तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो डी आपका
राइट आंसर रहने वाला है। तो किसी का भी आंसर सही नहीं था, सभी ने बाद में ऑप्शन चेंज कर दिया है, तो डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इमेज बेस आपको इसमें तीन इमेजें दिखाई दे रही होगी, जल्दी से सभी का आंसर कमेंट करिएगा। तो ये आपकी तीन इमेज दिखाई गई है, इन तीनों इमेज का फर्स्ट इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सेकंड इमेज ये है और थर्ड इमेज है ये आपका देखने को मिल रहा है। तीनों का नाम क्या है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें से नाम दिया जाता है, सैनिटरी पैड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें जो बीच में ये दो आपको दिखाया गया है, इसे नाम दिया जाता है टेम्पन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट जो इमेज है वो आपका मेंस्ट्रुअल कप का देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्या एब्जॉर्ब करने के लिए यूज की जाने वाली डिवाइसेज है। तो एग्जाम में बिल्कुल इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कप है, सेकंड है टेम्पन से, और थर्ड है वो सैनिटरी पैड देखने को मिलेगा। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्लाइंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ द सिस्टाइटिस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ ए डायग्नोसिस ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस। The nurse should assess the client for which of the following suprapubic pain होगा, dysuria होगा, urine retention या costovertebral tenderness देखने को मिलेगी। क्वेश्चन में पूछा है cystitis का पर्सन है, एडमिटेड किया गया हॉस्पिटल में विथ ए डायग्नोसिस ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस। तो पहले सिस्टाइटिस हुआ, सिस्टाइटिस असेंडिंग इन्फेक्शन होकर के आपकी किडनी को नेफ्रोन को जाकर भी भाई साहब इसने अफेक्ट कर दिया। तो द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, नर्स किसके लिए असेस करने वाली है। सुप्रापुबिक पेन देखने को मिलेगा, डिस्यूरिया होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा या ऑस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस देखने को मिलती है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा क्या राइट आंसर रहने वाला है। अंकित का आंसर है बी होगा, ऐश्वर्या का आंसर है डी होगा, विजिटर्स का आंसर आ रहा है सी होगा। तो बिल्कुल सभी के भांति भांति के आंसर यहां पर देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल किसी ना किसी को वचीर लगने वाली है। सभी अपना आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। तो पाइलोनेफ्राइटिस में क्या हो जाता है, तो पाइलो और नेफ्रोन का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, किडनी का इन्फ्लामेशन हो गया है, पर्सन में सिस्टाइटिस था, इन्फ्लामेशन था, ब्लाडर का असेंडिंग इन्फेक्शन धीरे धीरे ड्रॉप करते हुए ऊपर चला गया है। आंसर आ रहा है सी और डी में सबसे ज्यादा करते हैं। सुप्रापुबिक पेन, तो सुप्रापुबिक पेन कौन सी वाली कंडीशन में देखने को मिलता है, सिस्टाइटिस वाले इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें डिस्यूरिया, तो डिस्यूरिया में सिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्यूरिया का मतलब होता है पेनफुल मैच्यूरेशन देखने को मिलेगा, जब भी आप यूरिन पास आउट करते हैं या वॉइडिंग करने जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, पेन देखने को मिलता है, यूरिनरी रिटेंशन। तो यूरिनरी रिटेंशन भी किसमें होता है, सिस्टाइटिस में देखने को मिलेगा, पर्सन में यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है, हेजिटेंसी देखने को मिलती है, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है, बार बार में इच्छा होती है लेकिन आप यूरिन पास आउट के लिए नहीं जा पाते हैं, ऑस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस। तो जिन्होंने भी आंसर दिया था डे, उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है, पर्सन में अगर क्या देखने को मिलता है यहाँ पर पाइलोनेफ्राइटिस है, किडनी का इन्फ्लामेशन हो गया है, तो पर्सन में फ्लैंक एरिया में पेन देखने को मिलेगा, जिसमें मेनली बात करें कोस्टो वर्टिबल में टेंडरनेस देखने को मिलती है। कोस्टो का मतलब होता है यहाँ पर रिब्स में, एंड वर्टिब्रा का मतलब होता है जो भी आपके वर्टिब्रल कॉलम होता है, उन दोनों के बीच में टेंडरनेस हो जाती है, पेन ऑन टच देखने को मिलता है। तो टेंडरनेस का मतलब होता है पेन ऑन टच, जब भी आप टच करते हैं यहाँ पर फ्लैंक एरिया के पास में रिब्स को और वर्टिब्रा को, तो वहां पर पेन होता है, इसे ही कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस के नाम से जाना जाता है, पर्सन में। तो डी आपका राइट आंसर रहने वाला है, पर्सन में क्या कर देना है आपको, इंक्रीज था फ्लूड इंटेक, पर्सन में फ्लूड के इंटेक को बढ़ाना होता है ताकि किसी भी तरीके का जो भी आपका असेंडिंग इन्फेक्शन है
ऊपर ग्रो कर रहा है, वो ऊपर ग्रो नहीं करे उसकी क्या हो जाए, यूरिनरी कैनाल के फ्लशिंग होती रहे, तो आपका राइट आंसर रहेगा ये, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए वुमन इज टेकिंग द, कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा है ना बिल्कुल यहां पर है। तो बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप में इंटरेस्ट पैदा करिएगा सीखने के प्रति, बिल्कुल जितना आप लपेट सकते हैं बिल्कुल उतना आप लपेट लीजिएगा। एक वुमन इज द टेकिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, द नर्स इज द क्लाइंट एट द मेडिकेशन दैट मे बी इंटरफेयर विद द ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन एफिकेसी इंक्लूड द एंटी हाइपरटेंसिव एंटीबायोटिक डायुरेटिक या एंटीस्टामाइन देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप में जो जुनून जज्बा है कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर है। तो आपको हार नहीं माननी है, रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो राह जहां तक जाएंगे राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, तू खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, फिर देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। तो बिल्कुल आपके नॉर्थ सेट में अच्छी रैंक लानी है तो बिल्कुल आपको कंटिन्यूटी में मेहनत करनी है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, द नर्स इज द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन दैट मे बी इंटरफेयर विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इंक्लूड द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगा एंटीबायोटिक डायुरेटिक या एंटीस्टामाइन की वजह से ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी पर इफेक्ट पड़ने वाला है। सभी का आंसर आ रहा है ए को लॉक कर दिया जाए, सभी आंसर दे रहे हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आपने समझा नहीं है मेरे दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो ए फिर आंसर देने वाले नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है, ये नहीं पूछा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की वजह से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो साइड इफेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है एक वुमन है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भाभी जी है, भाभी जी बनना नहीं चाहती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग ले रही है, नर्स टीच द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन दैट मे बी इंटरफेयर विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टन के साथ में इंटरफेयर कर सकती है, ऐसी कौन सी मेडिकेशन होती है। संदीप का आंसर आ रहा है बी को लॉक कर दिया जाए, तो बी इज द राइट आंसर। आज जिस क्वेश्चन पर्सन में एंटीबायोटिक्स होती है ये जाकर के एंड ओरल हाइपर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग के इंटरफेयर कर देती है, उनके लेवल को कम करने का काम करवाती है, उनकी एफिकेसी को कर देती है और कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर करवा सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंटीबायोटिक लेने की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर देखने को मिल सकती है। एग्जाम में आपने पढ़ा होगा जब भी पर्सन में आप रिफामपिसिन देते हैं, टीबी की एक ड्रग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है रिफामपिसिन, उस दौरान क्या होता है रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ये जाकर के क्या करवा देती है पर्सन में, कॉन्ट्रासेप्शन है देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्शन उसकी एफिकेसी को कम करवाने का काम करती है। तो उसके साथ में आपको जब भी पर्सन है रिफामपिसिन थेरेपी पर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं किया जाता है, या पर्सन ओरल कॉन्ट्रासेप्शन ले रहा है रिफामपिसिन का यूज नहीं करेंगे, अगर आप रिफामपिसिन का यूज कर रहे हैं तो पर्सन में इधर है फैमिली प्लानिंग मेथड का भी आपको यूज करना है, वरना घर में क्या हो सकती है किलकारियां गूंज सकती है। तो पर्सन में आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अगर भाभी जी नहीं चाहती है कि उसके एक से दो और दो से चार हो जाए तो यहाँ पर क्या नहीं करना है, रिफामपिसिन नहीं देनी है, रिफामपिसिन दे रहे हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ में अनदर फैमिली प्लानिंग मेथड का भी यूज करना है। करें तो यहाँ पर आप कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं या फिर अदर किसी तरीके के फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर नए नवेली दुल्हन है तो उसके लिए बेस्ट कौन सी होती है, उसी पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका बैरियर मेथड होता है जिसमें मोस्ट कॉमनली मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम का यूज किया जाता है, ये क्या करवा देता है एसटीडी से भी प्रिवेंशन करवाने का
काम करता है, तो भी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव जो कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। डायुरेटिक जो कि यूरिन आउटपुट के डायरे को बढ़ाने का काम करेगी। एंटीस्टामाइन क्या होती है, ईचिंग को या फिर किसी भी तरीके की एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने का काम करती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर संदीप कह रहे हैं कि 1.5% से रह गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बॉर्डर लाइन पर आ चुके हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आपके यहाँ पर सफलता का इंतजार करनी कर रही है। आपको बिल्कुल यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में एक बार दिल से जोर से आवाज लगा करके पहली बार नॉर्थ साइड के लिए बिल्कुल हल्ला बोलना है। बिल्कुल आपका यहाँ पर पूरी तरीके से आप नॉर्थ साइड फाइट करके आने वाले हैं। सभी मेरे भाई लोग करते हैं, ए वुमन इज टेकिंग द, बिल्कुल तो आपको हारना नहीं है, उम्मीद रखनी है, क्योंकि उम्मीद के सहारे पर ही ये दुनिया प्राइम है। तो कभी भी आपका विश्वास है, आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। माफ करते हैं, वुमन इज टेकिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन दैट मे बी इंटरफेयर विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी। तो बात करते हैं संघर्ष के बारे में। जो इंसान कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। इसलिए जितना ज्यादा आप संघर्ष करोगे, उतना ज्यादा आप निकलने वाले हैं। जिन लोगों ने कभी संघर्ष नहीं देखा, फायदा वे ऐसे लोग हैं। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन देकर ये सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा है अपने जीवन में। लेकिन जो संघर्ष करके 4-5 बार में फेलियर होने के बाद में सफलता को हासिल करता है, उसका मजा कुछ और ही रहता है। तो बिल्कुल आपको सभी चीज का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आपकी जॉब है बिल्कुल पक्की है, 100% श्योर सभी की लगने वाली है। बशर्ते अपनी मेहनत पर विश्वास करिएगा। बात करें ए वुमन इज टेकिंग था, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ए 28-year-old फीमेल क्लाइंट इज प्रेस्क्राइबिंग द डायनाजोल फॉर द एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस के लिए डायनाजोल ले रही है, जो कि एक आपका हार्मोन एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट द हेडेक, वेट लॉस होगा, इंक्रीज द लिबिडो या फिर हेयर लॉस देखने को मिलेगा। तो एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है डायनाजोल, जिसको लिया जा रहा है टू ट्रीट द एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस में ओवर ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की क्या हो रही है, ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है। भाई साहब इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फैलने में लगी हुई है, तो ओवर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम अपने ज्यादा क्या करने में लग रही है, ओवर ग्रोथ करने में लगी हुई है, मायोमेट्रियम की जगह जाकर के पहुंच गई है, तो एंडोमायो की साइड में बढ़ती हुई जा रही है। इसकी ग्रोथ को आप रोकना चाहते हैं, इसके लिए डायनाजोल आप दे रहे हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन, ये जाकर के इसकी ग्रोथ को कम करवाने का काम करेगा। तो पर्सन में इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, क्लाइंट में क्या रिपोर्ट करने वाले हैं। आंसर आ रहा है सी होगा, इंक्रीज द लिबाडो, तो इंक्रीज लिबाडो, लिबाडो को कम नहीं करती है, लिबाडो को कम करने का काम करेगी, बढ़ाएगी नहीं, डिक्रीज लिबाडो करने का काम करती है। लिबिडो का मतलब होता है कि सेक्सुअल जो कि आपके सेक्सुअल डिजायर को कम करने का काम करेंगे, वेट लॉस नहीं करवाती है, वेट गेन करवाने का काम करती है। तो इसकी वजह से वेट गेन होगा, लॉस नहीं होता है, हेयर लॉस नहीं करवाती है। इस पर्सन में क्या करवा देती है, हाइपर ट्राइकोसिस करवाने का काम करवाती है। नेक्स्ट बात करें और पर्सन में क्या करवा सकती है, यहाँ पर हिर्सुटिज्म करवा सकती है। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है मेल पैटर्न में फीमेल में हेयर ग्रोथ करने लग जाते हैं, दाढ़ी ऊंची आ जाती है, तो हिर्सुटिज्म कहलाता है। जबकि हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है पूरी बॉडी पर समान रूप से हेयर ग्रो करते हैं, तो उसे हाइपरट्राइकोसिस के नाम से जाना जाता है। आंसर आ रहा है ए होगा, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। ये क्या करवाती है, पर्सन में जाकर के हेडेक करवाने का काम करती है, तो हेडेक के लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
आ क्लाइंट विद द क्रोनिक रीनल फेल्योर इज एक्सपीरियंसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेंजेस कॉज्ड बाय द यूरेमिक टॉक्सिन द विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एड्रेसिंग द चेंजेस अलाउ द क्लाइंट टू ग्रीव फॉर द बॉडी इमेज चेंज रेस्ट्रिक्ट द फूड दैट आर द हाई इन द पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट द फूड इनटेक 1000 ml पर डे असेस द क्लाइंट फॉर द मेंटल स्टेटस की रेगुलरिटी के लिए असेस करना है पर्सन में क्या था यहाँ पर क्रॉनिक रीनल फेल्योर है। क्रॉनिक रीनल फेल्योर जिसे CRF के नाम से भी जाना जाता है लंबे समय से होने वाली प्रॉब्लम के कारण क्रॉनिक का रीनल फेल्योर हो गया। इसमें प्री रीनल इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल कोज देखने को मिल सकते हैं। हाइपोवोलेमिया की वजह से हो सकता है इसेमिया की वजह से हो सकता है या फिर किसी तरीके का स्टोन का फॉर्मेशन है या फिर कोई एक्सपोजर हो गया है यहाँ पर किसी तरीके के रिएक्शन हो गई है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन हो गई है उसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेल्योर हो गया तो पर्सन में यूरेमिक टॉक्सिन क्या होने लग गए हैं नर्वस सिस्टम में चेंजेस देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से इसमें क्या होता है मेनली आपने देखा होगा पर्सन में यूरेमिया होने लग जाता है पर्सन में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल होगा हुआ बढ़ा हुआ देखने को मिलता है इंक्रीज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ने लग जाएगा पर्सन में क्या हो जाता है मेटाबोलिक एसिडोसिस होगा या एल्केलोसिस देखने को मिलेगा तो पर्सन में मेटाबोलिक एल्केलोसिस सॉरी पर्सन में मेटाबोलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन का रिटेंशन हो जाता है पर्सन में क्या हो गया यूरिन आउटपुट कम हो गया यूरिन का आउटपुट नहीं आ रहा हाइड्रोजन आयन यूरिन के थ्रू क्या हो रहे थे यहाँ से रिप्लेस हो रहे थे बाहर जा रहे थे एक्सक्रिएट हो रहे थे यहाँ पर इसलिए यह होने लग गया हाइड्रोजन आयन रिटेंशन होने लग गए और जब हाइड्रोजन आयन का रिटेंशन होने लग गया तो पर्सन में क्या देखने को मिलेगा मेटाबोलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है इसके साथ साथ में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा पोटेशियम का लेवल होता है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है यहाँ पर सेल का डिस्ट्रक्शन होता है और इंट्रा सेलुलर जो कैटायन होता है मोस्ट कॉमनली पोटेशियम होता है तो पोटेशियम यहाँ पर इंक्रीज होने लग जाता है पर्सन में हाइपो कैल्सियमिया देखने को मिलेगा तो पर्सन में हाइपो कैल्सियमिया इसके लिए कैल्सियम ग्लूकोनेट दिया जाता है पर्सन में कैल्सियम ग्लूकोनेट दिया जाएगा ये जाकर के हाइपो कैल्सियमिया को ट्रीट करने का काम करता है पर्सन में क्या हो जाता है एनेमिया डेवलप हो जाता है। एनेमिया के लिए मेनली बात करें तो RBC का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा एरिथ्रोपोइसिस होता है जिसमें एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है तो एरिथ्रोपोइटिन कहां से रिलीज होता है डिक्रीज द लेवल ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन का लेवल क्या होगा कम हो जाता है जब एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम होता है बॉडी में तो आरबीसी का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइटिन क्या करवाता है आरबीसी का फॉर्मेशन करवाने का काम करता है जब आरबीसी कम तो पर्सन में क्या डेवलप हो गया एनेमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाता है जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ करके आपके नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है ब्रेन तक पहुंच जाता है तो पर्सन में मेंटल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है एजोटेमिया देखने को मिलेगा। एजोटेमिया का मतलब ही होता है इंक्रीज द ब्लड यूरिया लेवल इन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाता है तो उसे एजोटेमिया के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर कमेंट करिए आंसर आ रहा है डी को लॉक कर दिया जाए असेस द क्लाइंट फॉर मेंटल रेगुलरली स्टेटस के लिए तो मेंटल स्टेटस रेगुलरली पर्सन में देखना है क्योंकि यहाँ पर पर्सन में मेंटल स्टेटस है वो क्या होने वाला है बिल्कुल गड़बड़ाने वाला है डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जाकर के पर्सन में ब्रेन को अफेक्टेड करने वाले उसकी वजह से मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलता है तो पर्सन कैसा हो जाएगा कन्फ्यूज देखने को मिलेगा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं बिल्कुल आपको सॉल्यूशन है मिल चुका है इस क्वेश्चन का और आपके आने वाले हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो बिल्कुल यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन है सभी आंसर आ गया है डी तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अ पर्सन में अलाउ द क्लाइंट टू ग्रीव द बॉडी में चेंजेज रेस्ट्रिक्ट दैट द हाई पोटेशियम पोटेशियम हाई पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है लेकिन उसकी वजह से मेंटल चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। पोटेशियम होता है जिसमें पहले से बढ़ा हुआ है तो आपको बाहर से पोटेशियम देने की जरूरत नहीं होती है स्पाइरोनोलैक्टोन होती है मेनली बात करें जो भी आपका
पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक होती है, सभी को अवॉइड किया जाता है। और बात करते हैं पर्सन में क्रोनिक रीनल फेल्योर है तो उसके ट्रीटमेंट की भी बात कर ली जाए। ट्रीटमेंट के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा पर्सन में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए पर्सन में क्या दिया जाता है, डेक्सट्रोज ग्लूकोज देते हैं, उसके साथ में इंसुलिन दिया जाता है तो इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देते हैं। नेक्स्ट बात करें नेबुलाइजेशन दिया जाता है, नेबुलाइजेशन में मोस्ट कॉमनली साल्बुटामोल लिवोसाल्बुटामोल का नेब यूज करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हाइपोकैल्शिमिया है तो वहां पर कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाएगा। एनेमिया के लिए आप आयरन देते हैं, इसमें मेनली आपका हिपोटिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें हाइपरकैलेमिया के लिए कैक्सिलेट दिया जाता है जिसे सोडियम पोलिस्टाइरिन सल्फोनेट के नाम से भी जानते हैं। पोटेशियम बाइंडर यहाँ पर दिया जाता है जो कि पोटेशियम को बाइंड कर लेता है और इंटेस्टाइन से स्टूल के थ्रू बाहर कर देता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जब भी पर्सन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उसमें क्या देखने को मिलता है, SCO3 का लेवल कम हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हाई कार्बोनेट का भी यूज किया जाता है। ये सभी क्रॉनिक रीनल फेल्योर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है तो आप बाइकार्ब देते हैं। बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करेगा। हाइपरकैलेमिया के लिए आपने 4-5 बिल्कुल पढ़े हुए हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन भी आया था नॉर्थ सेट में, तो यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, हाइपरटोपियम ब्रोमाइड नहीं दिया जाता है, ये फर्दर पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन कौन सा देते हैं नेप है, तो यहाँ पर साल्बुटामोल लिवोसाल्बुटामोल का लेब दिया जाता है। डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन देते हैं जो कि पोटेशियम के शिफ्टिंग करवा देता है सेल में और पोटेशियम के लेवल को कम करवाने का काम करेगा। कैक्सिलेट देते हैं, पोटेशियम बाइंडर दिया जाता है जो कि सोडियम पोलिस्टाइरिन सल्फोनेट, ये सभी पोटेशियम के लेवल को कम करवाने का काम करवाते हैं। हाइपोकैल्शिमिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन में हाइपरफॉस्फेटेमिया देखने को मिलता है तो कैल्शियम का लेवल क्यों कम हो जाता है, क्योंकि फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी पर्सन की बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट बढ़ता है तो फॉस्फेट और कैल्शियम के बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों नालायक एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखते हैं तो एक का लेवल बढ़ेगा दूसरे का लेवल कम हो जाता है। तो फॉस्फेट का लेवल बढ़ता है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सभी आपके यहाँ से पढ़ने वाले क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा आपको फ्लूड इनटेक है वो कम रखना है। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव द सबकुटेनियस इंजेक्शन टू एन द एल्डरली इमेसिएटेड क्लाइंट, बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति है जिसमें किसी भी तरीके की कोई मसल टिश्यू देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती देखने को मिल रही है। विच नीडल लेंथ शुड द नर्स प्लान टू यूज द एडमिनिस्टर द इंजेक्शन सेफली, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो पर्सन है जिसमें बिल्कुल किसी तरीके की कोई मांस नहीं है, बिल्कुल किसी तरीके का टिश्यू देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एमिसिएटेड है, बिल्कुल सूखड़ा सा क्लाइंट देखने को मिल रहा है, तो एल्डरली में पर्सन बिल्कुल कैसा हो जाता है, चिपक जाता है। आंसर कमेंट करिएगा, आंसर आ रहा है सी होगा, हाफ इंच 1.3 निडल एट द 15 डिग्री एंगल है। सभी जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। आंसर आ रहा है बी और सी में तो राइट आंसर रहेगा, सी तो पर्सन में एमिसिएटेड क्लाइंट है उसमें 45 डिग्री का यूज नहीं करते हैं, केवल कितना यूज करना है 15 डिग्री एंगल का यूज किया जाता है। हाफ पे इंच निडल लेना है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाफ इंच 1.3 सेंटीमीटर निडल का यूज करना है, 15 डिग्री के एंगल पर इसको लगाना होता है। नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल कितना लगाया जाता है, ऐसे में 45 डिग्री पर लगाते हैं, ऑब्वियस क्लाइंट होता है तो 90 डिग्री पर भी लगाते हैं, लेकिन एमिसिएटेड क्लाइंट है तो एमिसिएटेड क्लाइंट में जैसे आप आईडी लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, उसी तरीके से 15 डिग्री के एंगल पर इसमें लगाना है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का मांस मसल टिश्यू फैट देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए फीमेल क्लाइंट इज ट्रीटेड टू फॉर द ट्राइकोमोनियासिस विद द मेट्रोनिडाजोल, नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट
मेडिकेशन शुड नॉट अल्टर द कलर ऑफ द यूरिन, शी शुड डिसकंटिन्यू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट, शी शुड अवॉइड द एल्कोहल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड फॉर द 24 आवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ड्रग द हर पार्टनर डोज नॉट नीड टू द ट्रीटमेंट। तो उसके बिल्कुल पार्टनर को भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पर्सन में फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो सकते हैं। सभी STDI मोस्ट कॉमनली फीमेल से मेल में ट्रांसफर होने के रिस्क ज्यादा होती है, कम होती है। तो बात करें मेनली HIV की जो रिस्क होती है वो कैसे होती है, मेल से फीमेल में होने की सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि जो सीमन का कॉन्टेक्ट होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक के साथ में वो ज्यादा समय तक रहता है। नेक्स्ट बात करें फीमेल में जो लार्ज एरिया लार्ज सरफेस एरिया पाया जाता है जेनाइटल ट्रैक का, इसलिए ज्यादा देखने को मिलता है। आंसर आ रहा है ऐश्वर्या का, दलेश्वर का, अंकित का, जॉब विजिटर्स का कि सी को लॉक कर दिया जाए। सी शुड अवॉइड द एल्कोहल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड 24 आवर्स आफ्टर द ड्रग थेरेपी। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। अगर पर्सन में आपने मेट्रोनिडाजोल जिसे फ्रेजिल के नाम से भी जाना जाता है, उस दौरान अगर आपने क्या ले लिया है, मेट्रो आती है, मेट्रो की बात करें तो ये आपका कितना देखने को मिलेगा, 100 ml का कंटेनर आता है जिसमें 500 mg होती है, 1 ml इज इक्वल टू 5 mg देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन में मोस्ट कॉमनली TDS इसको दिया जाता है, दिन में 3 बार देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन में अगर कोई एल्कोहल लेता है तो एल्कोहल लेने के टाइम पे ये क्या कर सकती है, डाई सल्फीराम लाइक रिएक्शन करवा सकती है। तो डाई सल्फीराम रिएक्शन देखने को मिल सकती है, इसलिए पर्सन में आपको अवॉइड करना है। और यहाँ पर ड्रग बंद होने के 24 घंटे बाद तक किसी तरीके का पर्सन पर ध्यान देना है, समझाना है कि आपको एल्कोहल का सेवन नहीं करना है। मेडिकेशन शुड नॉट अल्टर द कलर ऑफ यूरिन, तो यूरिन के कलर को डार्क करने का काम करती है पर्सन में, यूरिन के कलर को डार्क करवाने का काम करेगी तो यूरिन के कलर को भी चेंज करती है। सी शुड डिसकंटिन्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है, ये जाकर के एफिकेसी को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निडल स्टिक इंजरी होती है, ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV के केस में निडल स्टिक इंजरी आपको हो गई है, तो आपको घबराना नहीं है, किसी भी तरीके से स्क्विचिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट के लिए आपको रनिंग वाटर में उसको बीटाडीन से क्लीन करना है या सोप से उसको क्लीन किया जाता है। NSI के नाम से इसे जानते हैं, निडल स्टिक इंजरी के नाम से जाना जाता है। HIV के केस में पूछा जाएगा कितनी रिस्क होती है, तो 1 × 300 में से केवल एक में HIV होने के रिस्क देखने को मिलेगी। अगर निडल स्टिक हो गया है तो 300 में से केवल एक पर्सन को होने के चांसेज होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क होती है हेपेटाइटिस की देखने को मिलेगी। तो जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, क्लिनिक सेटिंग में किसी तरीके की आप ड्यूटी करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसकी रिस्क होती है 6 से लेकर 30% रिस्क पाई जाती है। अगर पर्सन में HIV पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव की निडल आपको प्रिक हुई है तो 6 से लेकर 30% चांसेस होते हैं आप में हेपेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हेपेटाइटिस सी के बारे में कि हेपेटाइटिस ए के कितनी रिस्क होती है, तो आंसर कमेंट करना है, केवल 3 to 5% रिस्क होती है। तो ये सभी ध्यान देना है। हेपेटाइटिस सी पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, सीरम हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस बी के नाम से जाना जाता है। ये मेनली किससे फैलते हैं, तो कल की क्लास में पढ़ा था टैटू बनाने की वजह से हेपेटाइटिस सी फैल सकता है या फिर निडल इन्फेक्टेड निडल की वजह से फैल सकता है HIV होता है। ये केवल 300 में से एक को रिस्क देखने को मिलती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। ए क्लाइंट इन द एडवांस स्टेज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज डिस्क्राइब द पेन दैट अकर इन द एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज, द पेन अकर विद इन द मिनिमल एक्टिविटी के साथ पेन होगा, क्रेप्टेशन डेवलप एंड इंटेंसिफाई पेन, जॉइंट आर सिमेट्रिकली अफेक्टेड बाय द पेन या फटिग एक्कम्पनीज द पेन, फटिग होती है ये मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन में पूछा है एडवांस स्टेज में, तो ये मोस्ट कॉमनली
फटिग होती है वो सभी टाइप में देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो आप अर्ली सिम्टम में से ही क्या देखने को मिलता है, फटिग देखने को मिलने लग जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट अफेक्टेड होता है वो नी जॉइंट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला जॉइंट है रिस्ट जॉइंट होता है, हाथ की कलाई वाला जॉइंट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। बात करें ग्राउट में तो ग्राउट में सबसे ज्यादा ग्रेट टोई होता है, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको ध्यान देना है। गाउट में प्यूरिन डाइट को अवॉइड किया जाता है, जेंटेन इनहिबिटर दी जाती है। प्यूरिन डाइट होती है वो जाकर के यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। तो किसी भी तरीके का मांस मीट आपको नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें हाई प्यूरिन पाया जाता है और हाई प्यूरिन दोगे तो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी किसी पर्सन में साइडेक्स का यूज करते हैं तो साइडेक्स होती है इसे नाम दिया जाता है 2% ग्लूट्राएल्डिहाइड, 2% ग्लूट्राएल्डिहाइड के नाम से इसे जाना जाता है। मेनली बात करें 2%, अगर 2% है तो उसका चेंजिंग टाइम कितना होगा, 14 डेज में इसको चेंजेज कर देना है। तो बात करते हैं साइडेक्स 2% ग्लूट्राएल्डिहाइड होता है, बात करें 2% है तो इसमें 14 डेज पर इसको चेंज करते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए 2.5% साइडेक्स उसको कब चेंजेज किया जाएगा तो 28 डेज पर इसको चेंज करते हैं, 28 दिन पर इसको चेंजेज किया जाएगा। ये सभी आपको साइडेक्स से याद रखना है कि कब कौन से टाइप के साइडेक्स को चेंज किया जाता है। तो 2% है 14 डेज पर करते हैं, 2.45% है तो उसे कब करना होता है, 28 डेज पर इसको चेंजेज किया जाता है। बात करते हैं राइट आंसर के बारे में, तो पेन अकर एकदम मिनिमल एक्टिविटी, जब भी आप थोड़ी बहुत हलचल करते हैं मिनिमल एक्टिविटी करते हैं उस दौरान पेन होने लग जाता है। तो ये आपका एडवांस स्टेज में देखने को मिलेगा, पेन अकर विद इन द मिनिमल एक्टिविटी के साथ में क्रेपिटेशन होता है, ये भी अर्लीस्ट डेवलप हो जाता है। ज्वाइंट आर द सिमेट्रिकली अफेक्टेड बाय द पेन, तो पेन के द्वारा सभी ज्वाइंट सिमेट्रिकली अफेक्टेड नहीं होते हैं, पर्टिकुलर आपका नी ज्वाइंट होगा वो क्या होता है सबसे ज्यादा पेनफुल या सबसे ज्यादा अफेक्टेड देखने को मिलेगा, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी पर्सन में डाउट हो जाता है डाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हालोप्यूरिनोल का यूज किया जाता है। हालोप्यूरिनोल को आलू पूरी और नॉल का यूज किया जाता है, ये क्या करती है जेंथिन इनहिबिटर ड्रग होती है जो कि जेंथिन के लेवल को करने का काम करती है, जेंथिन को इनहिबिट कर देती है। अब पर्सन की बॉडी में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, ब्लड में लेवल बढ़ेगा तो उसे हाइपर यूरिसेमिया के नाम से जाना जाता है। पर्सन में जाकर के यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट में अफेक्टेड हो जाता है या जॉइंट में जाकर के इंफ्लामेशन करवा देता है तो उसे नाम दिया जाता है गाउट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लग गया है उसे क्या कहोगे, हाइपर यूरिसेमिया के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गाउट में इंफ्लामेशन हो गया है जॉइंट का, इंफ्लामेशन करवा दिया है यूरिक एसिड जमा होने की वजह से, तो डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स में तो उसे नाम दिया जाता है गाउट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेलोप्यूरिनोल होती है किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो या तो गाउट आ जाए या फिर क्रोनिक गाउट आ जाए, तो आंसर देना है यहाँ पर हेलोप्यूरिनोल होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अक्यूट गाउट है तो अक्यूट गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में फिर एंडोमेथासिन का यूज किया जाता है। एंडोमेथासिन एक टाइप की आपकी एनएसएआईडी ड्रग होती है, ये भी जाकर के क्या करवा देती है, तो एंडोमेथासिन का यूज करते हैं एक्यूट गाउट में, जबकि क्रोनिक गाउट में हेलोप्यूरिनोल का यूज किया जाएगा। तो या तो बिल्कुल पूरी फ्री डाइट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलोप्यूरिनोल इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट, तो बिल्कुल आपका एलोप्यूरिनोल का आड़ू पूरी नॉल है सभी आ गई है आपकी क्लास में, तो ए एलोप्यूरिनोल जाइलोप्रीम के नाम से भी जानते हैं इसे, जाइलोप्रीम या जाइलोरिक के नाम से भी ये इसके ब्रांड नेम है, तो किसी भी नाम से आ सकता है। क्वेश्चन में फॉर ए क्लाइंट है क्रोनिक गाउट है विच ऑफ दिस फॉलोइंग, इसके अलावा एक और ड्रग यूज की जाती है ट्रीटमेंट में जिसे नाम दिया जाता है कोल्चिसिन के नाम से जानते हैं, तो कोल्चिसिन इंडोमेथासिन
हेलोपिरिनोल ये सभी ग्राउट के मैनेजमेंट में यूज की जाने वाली ड्रग्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स इंडिकेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द हेलोपिरिनोल। आई विल टेक द मेडिकेशन व्हेन एवर माई जॉइंट्स हर्ट। आई मस्ट टेक दिस ड्रग ऑन एन एम्प्टी स्टोमक में लोगे। आई शुड ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ फ्रूट व्हेन टेकिंग द हेलोपिरिनोल। आई शुड नॉट टेक द एस्पिरिन व्हेन टेकिंग द हेलोपिरिनोल। क्या राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन का? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर है कमेंट करिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट सेशन की स्पीड को बनाए रखिएगा। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा करके दिखा। आंसर आ रहा है सी होगा। आई शुड ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ फ्लूइड व्हेन टेकिंग द हेलोपिरिनोल। तो सी सभी का राइट आंसर आ रहा है। किसी को लॉक कर दिया जाए तो जब भी आप हेलोपिरिनोल देते हैं ये जाकर के क्या करवा देती है, पड़े हुए यूरिक एसिड को करवाने का काम करती है। तो अगर आपने फ्रूट कम लिया तो यूरिक एसिड आपके किडनी में जाकर के क्या करवा सकता है, स्टोन का फॉर्मेशन करवा सकता है। इसलिए आपको प्लेंटी ऑफ फ्रूट लेना है। प्लेंटी का मतलब है इंक्रीज था फ्रूट इनटेक, फ्रूट इनटेक को बढ़ा दिया जाता है जिसकी वजह से आपने जो भी यूरिक एसिड आएगा वो जाकर के तुरंत यूरिन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, इसको क्रिएट कर दिया जाता है। टेक द मेडिकेशन व्हेन एवर माई जॉइंट, फिर तो जॉइंट को जब हर्ट होता है तब भी नहीं लेनी है, रेगुलर बेसिस पे लेना होता है। आई मस्ट टेक दिस ड्रग ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, तो एम्प्टी स्टोमक नहीं लेते हैं, आफ्टर द मील के बाद में लेते हैं क्योंकि ये जाकर के क्या करवाती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन का काम करवाती है। तो चाहे आपके एस्प्रिन हो या फिर आपकी एलोपिरिनोल हो, ये सभी क्या होती है, गैस्ट्रिक इरिटेंट होती है। लेकिन बात करें अगर कोई पर्सन है जिसमें आप क्या ले रहे थे एटीटी लेते हैं, तो एटीटी में क्या किया जाता है, पर्सन में एम्प्टी स्टोमक दी जाती है। तो पर्सन में एटीटी का मतलब होता है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट थेरेपी होती है। ये कब दी जाती है, जब पर्सन में एम्प्टी स्टोमक होता है, तो पर्सन में एम्प्टी स्टोमक देते हैं तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जब भी आप पर्सन हेलोपिरिनोल लेते हैं या फिर एस्पिरिन लेते हैं, ये दोनों ही क्या करती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन का काम करती है। तो ऐसी ड्रग जो कि गैस्ट्रिक इरिटेंट होती है उन सभी को आफ्टर मील लिया जाता है। आई शुड नॉट टेक द एस्पिरिन व्हेन टेकिंग द हेलोपिरिनोल। तो हेलोपिरिनोल और एस्पिरिन दोनों ले सकते हैं, लेकिन दोनों क्या करती है, जाकर के गैस्ट्रिक इरिटेंट को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए आपको आफ्टर मील लेना होता है, कभी भी आपको खाली पेट नहीं लेना होता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी आंसर कमेंट करिएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से राइट आंसर है कमेंट करिएगा। तो आज आपके धुआंधार सेशन में बिल्कुल है 150वें एपिसोड को आपने बिल्कुल है ऐतिहासिक बनाने की पूरी पूरे कोशिश करी है। अगर क्लास पसंद आती है तो बिल्कुल अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करते रहिएगा, ताकि आने वाले बिल्कुल आपके जो नॉर्थ सेट है मेनली आपका उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस है सके, और आने वाले नॉर्थ सेट में सभी बिल्कुल है नॉर्थ सेट को अपनी औकात दिखा सके। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। शैलेंद्र का आंसर आ रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होगा। सभी अपना आंसर कमेंट करिए, क्या राइट आंसर है देखने को मिलेगा। तो एक आपको बड़ा सा मशीन दिखाया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में बिल्कुल आपका पूछा हुआ इमेज देकर के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपने इतनी इमेजे बहुत सी इमेजे प्रैक्टिकल बेसिस, तो आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बेसिस है क्वेश्चन डील किए हैं। तो आपके जिन्होंने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, बिल्कुल वंदे भारत एपिसोड है, आज 150 एपिसोड आपका कंप्लीट हो गया है। तो प्रीवियस जिन्होंने एपिसोड को विजिट नहीं किया है, बिल्कुल है विजिट करना है, आपने एक अलग से ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके मॉस भी बेस एनक्लेक्स बेस के या फिर आपके सोल्डर्स बेस लिपिन कोट है, सिर्फ बिल्कुल आपको पूरे वंदे भारत एपिसोड में एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है देखने को मिलेगा। इंटरवेंशन बेसिस पर सिर्फ क्वेश्चन, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो मैंने कई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के शॉर्ट वीडियो बना करके डाल रखे हैं, बिल्कुल आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आने वाली एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, आपने बिल्कुल अभी भी शॉर्ट सेट में देखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम से जानते हैं।
ये क्या करता है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, रूम की जो एयर होती है, रूम एयर में, रूम एयर को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करके पर्सन में यहां से क्या कर दिया जाता है, पर्सन को अटैच कर दिया जाएगा। तो पर्सन से अटैच करके इसमें क्या कर देते हैं, पर्सन को ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये पर्सन में देखने को मिलता है, अगर आपको एग्जाम में तो नाम देते हैं इसे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये आपके रूम एयर को क्या करता है, यूज करता है, और उसको पर्सन में ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके इसको क्या कर देता है, सप्लाई करने का काम करेगा। बिल्कुल आपकी सभी मन्नतें पूरी करवा दी जाएगी, बस जुड़े रहिएगा इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। और बिल्कुल आपको वन बाय वन एपिसोड को करते हुए देखना है, किसी भी एपिसोड को कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है। थैंक्स टू ऑल। बिल्कुल यहाँ पर मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे कोरोना में, तो कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया गया था ऑक्सीजन का, बहुत ही किल्लत मच गई थी यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो सिलेंडर के सिलेंडर खाली हो गए थे हॉस्पिटल में, बिल्कुल कमी देखने को मिल रही थी, तो वहां पर इसका मशीन का यूज किया गया और जो भी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है उसी का यूज करके पर्सन के सेफ्टी के लिए, पर्सन की जान को बचाने का काम किया गया। तो बिल्कुल हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तो बिल्कुल क्लास को फैलाते रहिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्किल में, ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में जुड़ने के लिए। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, कुछ ही दिनों में सफलता आपके कदम में छूने वाली है। सफलता मिलने में एक दिन का समय नहीं लगता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो सफलता को पाने के लिए आपको कंटिन्यूटी में सतत मेहनत करना जरूरी होता है। सफलता की कोई कुंजी नहीं होती है, सफलता की केवल एक ही कुंजी है, सक्सेस के पीछे भाग नहीं भागना है आपको, अपने मेहनत पर विश्वास करना है। सक्सेस है वो अपने आप मिल जाने वाली है। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू डियर, सभी का बहुत बहुत आभार है इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।